कितने का गोमूत्र हुआ? 100 रुपए का। वर्मी कंपोस्ट कितना हुआ? 70 रुपए। और सर गाय की, बस गाय का सब जाएगा सर, मेंटेनेंस का, डीजल सूट वाली का, डीजल पर काम वाले पर। अच्छा मैंने जोड़ा है सर, गलत होगा बता देना। कॉस्ट ऑफ ग्रीन फॉर्डर फॉर 10 का हाउस 100 kg 300 रुपीज, ड्राई फॉर्डर 50 kg 500 रुपीज, ग्रेजिंग के लिए आदमी आता है, ग्रेजिंग एंड अदर लेबर 500 रुपए पर डे, और कोठा साफ वाफ करना उसका 300, वो 250 रुपए में दवा दारू जो भी सब। सर ज्यादा से ज्यादा 1600 रुपए पर डे खर्चा आता नहीं है, आप पकड़ लो खर्चा कम दो। और मिलता कितना है सर? इस हिसाब से 1600 रुपए के हिसाब से 30 दिन का मेंटेनेंस हुआ 48,000। आवक क्या है? आउटर 120 किलो 1 दिन में 7 रुपए के हिसाब से, तो ये 30 दिन में होगा 3600 रुपये। और यूरिन 80 लीटर की रोज की है तो 2400 लीटर होते हैं 10 गाय की, इसका 20 रुपये लीटर पकड़ो तो 48,000 रुपये, 25,248। इसमें देख लीजिए आप, 73,200 होता है, खर्चा कितना आया? 48,000। तो सर वो गाय बूढ़ी जो है उसको पालना पुराएगा कि नहीं पुराएगा? पूरा तो पालना शुरू कीजिए सर, समझाइए। वो इसलिए नहीं पालते, गोबर गोमूत्र का उपयोग नहीं करते हम, और गाय को बेच देते, इधर खेती नहीं पकते, दौरान गोबर तो इसे तो आत्महत्या करो, सरकार का ही करते हैं, पर आपको नहीं था नहीं खेल। सरकार क्या करते हैं जनपुर चर्चा का विषय है, सरकार बरस का ही ना ही करूंगा मैं, ही मैं एग्री करता हूँ, तो आपको जो करा पाजी तेज का बेचारा, आप जो पूरे हेल्दी होते हैं आपको हेल्दी हो, धरती माता तू माता बड़ा कर लो, धरती हेल्दी हो, पानी चांगल मिले, अन्न चांगल मिले, पूरा आशीर्वाद देते हैं बापन, तो का के बोल हटता बोला सर, ये चीज जवाबदारी पूरे तुमच्या रहे। पर जर जी गाय तुम्हाला इतके पैसे देऊ शकते तिला विकू नका, तिचं गोमूत्र आणि शेण त्याचा प्रॉपर उपयोग करा आणि तुम्ही स्वतः मालामाल व्हा। या हिशोबाने आपण 25,000 रुपये पर मंथ प्रॉफिट 10 गाय मागे मिळतो, आणि जास्त मिळू शकतो ते केव्हा आपण कॅल्क्युलेट केलं, 1600 रुपये पर डे, त्याच्यात समजा आपल्या शेतातच वापरायचं असेल तर गोमूत्राची किंमत 20 रुपये थोडी लागणार नाही ना, ते सर्व विचार करून आपण हे करा। हे माझं पण याच्यात 2 अडचणी आहे सर, आपण समजा एका गायने 5 लिटर गोमूत्र दिलं, ये सर्व ज्या सर्व त्याच्याकडे किती जमीन आहे शेतकऱ्या शेतकऱ्याकडे ते आपल्याला माहित नाही, पण ते सेल नाही झालं तर कदाचित कमी मिळेल, पण त्याची शेती सुधार होती, ते गाईचं मेंटेनन्स निघून त्याला आरामात पैसे वाचतात, हा माझा अनुभव आहे। आणि ज्याला कोणतं याच्या शंका असेल ते माझ्याकडे याचं प्रॅक्टिकल घेऊन केव्हाही पाहू शकतात, पण मी एक पाहिलं आहे, मी फक्त दाखवणार नाही, कारण 2-3 तर आले लोक, हा येतो आलेच नाही, म्हणून मी ठरवलं कमीत कमी 1,000 रुपये मला जो देईल त्याला देऊन मी दाखवेल। 10 जण या 20 जण या कोणते साइंट आणि सायंटिस्ट आणि इकॉनॉमिस्ट पाहिजे, पंडितची नको, तो त्यांनाही दाखवेल मी, पण तो विषय वेगळा आहे। आता याच्यात थोड्याशा अडचणी आहेत, सरकारी माहित नाही, पण सरकारला एक सजेशन आम्ही देऊ, पिंपळाच्या फ्रुटच्या ते गोमूत्र याच्यासाठी कलेक्ट होत नाही सर, पुष्कळदा काय आपलं गाय सर्व कच्च्या फ्लोअरवर असतं, तर सर सरकारने जर थोडस इनिशिएटिव्ह घेतलं, गिरीवार साहेबांनी, श्री गिरीवार साहेबांनी सांग आणि एक पटरा पक्का गोठाने एक टाकं बदलून दिलं तर ते सर्वजण तुम्हाला आशीर्वाद देतील, एक सबसिडी 10-20 हजार रुपयाची मिळाली, कोठा झाला ते रोग फेरायला लागला, तर याच्याविषयी जास्त प्रॉफिट होऊ शकते। त्यामुळे इथे स्किप्स आहे लोकांचं खायला घ्या पण आता पाहायला आम्हाला स्किप्स आहेत आहे तर सर त्याचा थोडा प्रचार करा, मलाही नाही मी सांग, त्यांनी यायला पाहिजे ना आपल्याकडे आपण जाऊ साहेब,
आता सहा आज आपण जाऊन झालं दोन स्कीम आहे सर, तिथे इन्क्लूड करत नाही, लोकल करत नाही, आम्हाला व्यक्तिगत मुक्त असून नाही आहे ना सर, तरी आपण प्रयत्न करत राहतो. प्रयत्न सुरूच आहे सर. तर असं आहे सर, सायन्स आहे जसं युरिनचे इंडस्ट्रियल युजेस आहेत, व्हेटरनरी मध्ये बरेचसे प्रॉडक्ट तयार होऊ शकतात आणि हे सर्व याच्या मासिव कंपनी आपण एकदा सुरू केली तर गव्हर्नमेंटने करावं लागेल असं मला वाटतं. मी नेहमी बोलत राहतो, बोलण्याचा उपयोग होऊन राहिला पण जितका पाहिजे तितका नाही आहे, पण होईल मला विश्वास आहे. आणि इट्स आय एम नॉट रॉंग अँड आय तुम्हाला चिटिंग नाही करून राहतो, तुम्हाला आज उद्या माझ्या मागे यावंच लागेल असा माझा विश्वास आहे. त्यांनी सांगितलं तुम्हाला ते बेनिफिट सांगून नोकरी करतो, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, म्हणून ऍग्रिकल्चर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी होईल, अफोर्डेबल होईल. आज सर्व शेतकऱ्याला पण मोबी दाल पाहत नाही, एखादी पण काही प्रमाणात सुधारेल. सर रिडक्शन इन पोल्युशन, हिंदी में मराठी अच्छा ठीक है, रिडक्शन इन दी कॉस्ट, समझ गया आप. में हाँ, हेल्थ एग्रीकल्चर में भी अफोर्ड, खेती पुराने लाख हो जाती. आज के क्या पोजीशन है बेटा, आप तो नागपुर रहते हो, नागपुर नहीं, के लड़के देहात में शादी करने को नहीं देखते. मैं खुद हैदराबाद से बस तेलंगाना कहने में जो एक जनरल सिचुएशन बता रहा हूँ, हाँ बच्चे देहात में शादी करने को नहीं देखते, कारण वहां कोई फैसिलिटी सर परेशान रहते हैं, आर्थिक इनकम नहीं है बराबर. तो यदि इनका अच्छा होगा तो लड़कियां बोले नहीं ठीक है. हमारे एक दोस्त की लड़की कलकत्ता, बहू कलकत्ता की है, हीरे का व्यापारी, उसने सेलू में लड़की दिया, उस टाइम अच्छा इनकम था, अभी कोई कलकत्ता वर्धा वाला सेलू में नहीं दे सकते इनकम है कि नहीं पोजिशन, क्या सच है गलत बोल रहा हूँ. तो यदि किसान की इनकम बढ़ेगी तो सब सुधरेगा, किसान की इनकम ही नहीं बढ़ेगी तो इसमें किसान की इनकम बढ़ाने के साथ में अपना भी फायदा है. इसलिए आप यदि किचन गार्डन करते हैं या और कुछ कुछ भी करते हैं तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट भी है और सीनियरिटी के हिसाब से ऑर्डर भी है कि आप गाय का गोबर, गाय के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे. सर बोलू, हाँ अभी मैं कल ही हैदराबाद से जैसा आपका फोन आया था, मैं हैदराबाद में था उस टाइम, क्या बात है, थैंक आपने बुला इसे आगे आपने यू सर, थैंक यू बाकी. सो मच. अभी परसों दिन है हैदराबाद, बहुत बड़ा एग्जीबिशन था यहाँ पे हाईटेक सिटी में, वहां पे मैं अटेंड किया, वहां तो बेस्ट एग्जीबिशन था वहां पे. तो वहां पे डेयरी फार्म था, अटेंड किया पूरा, वो इसके था इंडियन ब्रीड के ऊपर था, उसकी कीमत थी देसी घी की 3,000 रुपये पर लीटर. आप हैदराबाद से है मैडम, अभिनंदन करता है. वहां पे मैं गया था, उनके पास ट्रेनेड एनिमल है, वो लेडीज थी इस फार्म का विदर्भा. जैसे मैंने स्टॉल पे विजिट किया, आई एम फ्रॉम नागपुर, उसने बोला आई एम फ्रॉम विदर्भा, एंड 8 साल पहले उसे शादी की, ही अर्निंग 3 लाख पर मंथ डेयरी के ऊपर कमा रही है आज के तारीख में. इसके डेयरी के डंग के ऊपर बहुत सब पैसा कमा रहे आज मार्केट में. दोनों आईटी सेक्टर के सर, दोनों मिले हैं, दोनों के लड़की नागपुर की है, बरुड़ की है, और वहां पे हैदराबाद का लड़का है. कल उनके साथ मिलके आया मैं, और देर वो नागपुर में आया मिलने क्या बात है सर, कितनी अच्छी बात है सर, केजरीवाल साहब की इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल काली बाई है. चलिए बाकी सब आखिरी का विषय मार्केटिंग, कितना भी सब तैयार कर ले, एक फैक्ट्री लगा दिया, सब बना लिया, माल नहीं बिका तो आप क्या करेंगे, फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा, घाटा आएगा, लोग पागल बोलेंगे बोले. तो इसको जो यहाँ गाय पालते हैं, जिनका गाय है, ऐसे कितने लोग हैं सर. मेरी ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा आदरणीय रिक्वेस्ट है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सर लोग देंगे आप. आप घर के सामने बोर्ड लगाइए, यहाँ गोमूत्र मिलता है, सर जिसकी गौशाला उस पर लगाइए. लेकिन घर में बैठे बैठे जो मार्केटिंग बोले तो आपको उसको क्या बोलते हैं, ढीठ होना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा. आप कुछ माल बेचते हैं, आपका सोना है ना, आप घर में बैठे हैं, लोगों को मालूम नहीं कैसे बेचे. यही मान लो आपके गाय के 100 रुपये रोज आने लग गए तो आप गाय के बराबर पूजा करेंगे, और पूजा करना जान दो आपका घर सुधर जाएगा, आपके बच्चे भी हेल्थ सुधर जाएगा.
बच्चों की इंटेलिजेंस सुधर जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप डॉक्टर हैं मैडम, और भी डॉक्टर हो गए आप, डॉक्टर लोग बोलते हैं पेट खराब तो दिमाग खराब, गलत है नहीं बिल्कुल राइट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अभी तो हवा भी खराब, खाना भी खराब, पानी भी खराब, तो पेट कैसे अच्छा रहेगा? तो पेट अच्छा नहीं रहा तो दिमाग अच्छा नहीं रहेगा, दिमाग अच्छा नहीं रहेगा तो क्या हो? तो इसको फिर से दिमाग को लाइन पे लाना है, आपको पेट को ठीक करना पड़ेगा, पेट को ठीक करना है तो हवा पानी खाना तीनों को सुधारना, तीनों को सुधारना तो गाय के छेद, गाय के गोबर गोमूत्र का उपयोग नहीं करके दूसरा कौन सा इलाज है बताइए? इकोनॉमिक्स को छोड़िए, आपको जिंदा रहना है तो इसको समझना पड़ेगा। तो इसका एक ये हो गया, दूसरा आपके जितने रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, गांव के लीडर है, सबके फोन नंबर ले लेंगे, सबको बोलो फोन करके अंदर यार गांव पैसा नहीं मिलता, मैं बेच रहा हूँ, नॉन पब्लिसिटी, फ्रेंड को जितने जितने जो मिलता है उसको बोलो, थोड़ा ठीक होना पड़ेगा, एक बार ठीक होगा ना माला वाला हो जाएगा, वैसे उसी के पास है जो मार्केटिंग करता है, आप सोना भी ना बना ले मार्केटिंग नहीं किए तो क्या? और मार्केटिंग में बोल्ड होना मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना, पोलाइट भी रहना पड़ता, तो ग्राइंड मान लेगा भाव भी करेगा, इतने पैसे लगते हैं उसको साहब लगते हैं, थोड़े मीठे से बात करें, इस बार सेट हो गए तो आपके पास गाय के तो इतने पैसे आएंगे, सिर्फ पैसे नहीं आएगा आप हेल्दी को फिर वेल्दी जो, और इसीलिए इकोनॉमिक्स आपको समझना जरूरी है। आपके पास गाय नहीं होगी तो आप गोमूत्र गोबर खरीदना शुरू कीजिए, घर में हर एक के आजकल 10 में से 9 घर में किचन गार्डन सब यूज कर सकते हैं, आप पोल्यूशन घर का भी क्वालिटी ऑफ एयर दुरुस्त कर सकते, तो आपको ये इकोनॉमिक्स समझना, मैंने मेरे बुद्धि के हिसाब से आपको समझा दिया। और सबसे आखिरी है कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर आपके बहुत तारीफ करेगा, तो आपने गोमूत्र अच्छी क्वालिटी का वर्मी कम्पोस्ट बना के दिया, फिर से लोग आपका लेने के लिए आए, तो ये चीजें कैसी एक दिन की नहीं रोज लगती है, तो जिसके रोज लगती है उसकी दुकानदारी बहुत चलती है। इसके बेनिफिट्स है सर, कॉस्ट ऑफ द फार्मिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द काउ शैल शैल बी अफोर्डेबल। आज जो हम बोल रहे हैं गाय पुराती नहीं है, तो गाय का गोबर और गोमूत्र यदि हम यूज करने लग गए तो कितनी कॉस्ट, कितना मिनट क्या मांगते हैं गाय खाने के लिए कुछ बताइए आप, जिसके पास है गाय उससे ज्यादा तो गोबर दूध और लेबर तो सब अलग बैल का, जो बैल काम करता है जो गाय दूध देती है वो भी तो आपको यूरिन और गो ये देती है, तो फोकट में उसका मेंटेनेंस नहीं करता, दूध फ्री में बचता है, और दूध ही नहीं गोमूत्र इसका यूज करेंगे घर में पैसे भी बचते हैं, तो इतने अच्छे बिजनेस को अपन ने करना चाहिए, स्टडी करके करना चाहिए, मैं नहीं बोला आप मतलब चले जाओ, ये चीज बेनिफिशियल है, तो अपने में से इसको एडॉप्ट करना चाहिए, इकोनॉमिक्स आपके ख्याल में इसमें क्लीन एनर्जी मिलेगी, अभी जो एनर्जी हमारी डर्टी एनर्जी है कि जो हम जानते हैं कोयले से प्रदूषण होता है बीमारियां फैल रही है, इसमें क्लीन एनर्जी मिलेगी, क्लीन ही नहीं मिलेगी डबल क्लीन मिलेगी, इससे जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी बचेगा, हरियाली फैलेगी वो बचेगा, लेसर यूज ऑफ पेस्टिसाइड उससे भी पोल्यूशन तो होता है, कितने लाख रुपए के पेस्टिसाइड यूज होते हैं आपके डाटा मालूम है? करो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इनपुट हमारा 8 लाख करोड़ रुपए का साल का, तो 70 साल से हमने धरती माल में नदी में सब मिला मिला के सब सत्यानाश कर दे, अभी तो जान अब उस गाय को समझो, ये समझना है आपको, हेल्दी रहना है, निरोगी काया रखना है, पहला सुख निरोगी काया, आपको अपने परिवार को निरोगी रखना है तो गाय को गाय के अर्थशास्त्र को समझना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ये नहीं। एक सर डॉक्टर का ये है एमएससी एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक कार्बन इज द बैकबोन ऑफ सॉइल, बराबर है चलो सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं, इट इज ब्रोकन नाउ बिकॉज द कार्बन पर्सन दैट हैज बीन अब्यूज्ड सो मच बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल्स एंड ऑल व्हाट नॉट, इफ यू वांट टू ब्रेक बिल्ड इट अगेन यू हैव टू गो फॉर पाउडर, इज देयर एनी अदर सोर्स, तो खेती नहीं पकेगी तो क्या खाएंगे, इसलिए भी गाय का समझना जरूरी है, इकोनॉमिक सब जगह है सर।
इकोनॉमिक्स के साथ में हेल्थ भी है, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स से यू यू विल बी हेल्दी प्रॉस्परस। इसमें खेती की कॉस्ट भी कम होगी, होगी ना, तो खेती भी पुराएगी, किसान भी अच्छा रहेगा और किसान के बेटों को लड़कियां भी उनका शुरू हो जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबके लोगों का बेटर हेल्थ, अपनी हेल्थ अच्छी नहीं तो अपन भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अपना प्रमोशन होगा, दुकानदारों का तो दुकान अच्छी चलेगी। ड्रास्टिक रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स, अपन 10 लाख करोड़ के ये जहर हर साल ये करते हैं तो हो जाएगा तो रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, हो सकता है वो डाइज। ये फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का इंपोर्ट आई थिंक अबाउट 20% ऑफ टोटल इंपोर्ट वैल्यू। तो सर ये हमारे को खोखला बना रहा है, देश को खोखला बना रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है, हम हमारे पैसे से हम भी बहुत खरीद रहे हैं। तो ये आपको समझ के इसका उपयोग कम करना पड़ेगा। गांव में रूरल यूथ गांव छोड़ के जाते हैं, गांव में काम करते, बूढ़े माँ बाप राह देखते रहते कब बेटा आएगा कब पोता आएगा कब क्या करेंगे, किसी को दोष नहीं, सब दवाई नहीं तो बेटा कहाँ रहेगा, गांव छोड़ के जाना पड़े। यदि उसको गांव में काम मिला तो आप घर छोड़ के जाए, नहीं जाए कोई भी नहीं जाए, गांव में तो ये हो जाए। और इसलिए मैं इसको बोलता हूँ फिर से आप समझिए, पढ़िए, पढ़े लिखे आप समझ, मैं सबसे कम हूँ इसे सर जर्नी टू असंतो माँ सच सच जानिए, सच पे जाइए, मैं मुझे दूसरी को बेवकूफ नहीं बना, सच जान के आप उसको समझिए, हम मृत्यु हम जो आप बीमारियां उससे स्वस्थ रहिए और अंधेरे से उजाले की सफर शुरू कीजिए। गांव इकोनॉमिक्स में समझ के आप हमेशा खुश रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी खुश रहेंगी। और आपने मुझे सुन लिया इतनी देर से हिंदी मराठी में, तो वो उसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर भी मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, मार्केटिंग पे आपको और ध्यान दे, इसमें मार्केटिंग वाले हो और हमको मदद करें तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। धन्यवाद। कुछ ज्यादा बोल गए हम लोग, क्षमा करें। धन्यवाद सर, आज आपका जो जो आपकी इतने साल का निचोड़ था वो सुन के हम सच में हमें बहुत समझ में आई बात और अच्छा लगा। और हमारी परंपरा नहीं है कि हम अपने टीम मेंबर्स की को मोमेंटो या फ्लावर दे, लेकिन आज मेरी दिल से तमन्ना है कि आपको मोमेंटो दिया जाए और फ्लावर से आपका स्वागत किया जाए। इतना बोल दिया मेरे लिए काफी है। नहीं सर, आपकी बातें सच में समझने योग्य है और जो कुछ इतने हम लोग परेशान हैं उस परेशानी का एकमात्र यही इलाज दिखाई देता है और इसको अपनाने की जरूरत है, वो सबसे बड़ी चीज है। मैं कीर्ति मैडम, डॉक्टर कीर्ति मैम से अनुरोध करूंगी कि आज सर का स्वागत फूल और मोमेंटो देकर करें। इतना बड़ा दिन बड़ा से ऊपर लेके खड़ा रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी ने जो कहा वो वास्तव में लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ एक छोटा सा विलेज लेके
ये पूरा सिस्टम वहां पे इम्प्लीमेंट अगर करके देखें हम, किसानों को पूरा हम उसका बेनिफिट दिखा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा छोटा विलेज किसी के पहचान में हो, जानकारी में हो, जहाँ ये काम कर सकते हैं, तो वहां की पूरी फार्मिंग इकोनॉमी को हम इस बेसिस पर लेके जाएंगे। तो हमको ये दिखाना है कि फार्म केमिकल के बगैर हो सकता है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि ये जो इम्पोर्ट हो रहा है, जहर पे बढ़ रहा है, उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकले। तो हम अगर ये कोई सुझाव देते हैं तो उसको जरूर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मेरा एक करें। सुझाव है सर, तो जी गांव को लीजिए, गांव से पहले उसके बाद गाय है बिल्कुल, उससे शुरू कीजिए। वो तो करेंगे। गाय दीप और तीसरा गीता है, वो बातें करेंगे। गाय और दीप का यदि कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी तरक्की को और हमारे हेल्थ को कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ मेरी सजेशन है नॉट इन, कि जिसके पास है उसको शुरू कीजिए। गांव में करने जाएंगे तो होगा या नहीं होगा, तो जिसके पास ऑलरेडी गाय है उसको बोला तो यूज कर सकते, और आपके पास साधन है, आप कर सकते हैं, आपके पास मैं इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं। विवेक से भी कहूंगी कि वो अपने ऐप में गोमूत्र का मार्केटिंग का भी शुरू करे, कि गोबर गोमूत्र ऐप के जरिए भी बेच सके लोग, तो हाँ, वो चीज भी यदि करे तो धीरे धीरे लोग, जैसे और साथ ही हमने वहां पे हमें अपने खेत के लिए चाहिए तो हमें मिलता नहीं है, हमें ढूंढना पड़ता है, पर हम ये जो गैप है उसको किसी तरह दूर करना चाहिए। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बाबूजी। आपने आज जो हम लोग इतना, मतलब मैं थोड़ी इमोशनली हो गई, क्योंकि इतने शांति से और इतना अच्छा, और ये टॉपिक भी इतना एक पीसफुल टाइप का टॉपिक था, और मैं देख रही थी कि सब लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं। और जो एक शब्द जो आपने बोला कि सच में मार्केटिंग, आप सोना भी बना लीजिए लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हम नहीं बेच सकते हैं, तो इसलिए उसके भी दुकान के ऊपर बोर्ड तो लिखना ही पड़ता है। तो इस तरह से अगर हमने हर किसी ने, जिसके पास भी गाय है, अगर घर के सामने बोर्ड लगा लिया कि यहाँ गौमूत्र मिलता है, तो वहीं से शुरुआत हो जाएगी हमारी मार्केटिंग की और हमारे डे टू डे डेली इनकम की। तो धन्यवाद बाबूजी, आपने इतने अच्छे से हम लोगों को समझाया, और हम लोग ने बहुत ध्यान से सुना है ये चीज आप लोगों ने सबने। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं किरण गोखले सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे आज के अतिथि जो है डॉक्टर दीपक पिंजरी सर, जो मुंबई से आए हैं, उनका इंट्रोडक्शन दे, और हम सब लोग उनके लेक्चर के लिए वेट कर रहे हैं आतुरता से। किरण गोखले सर, थैंक यू डॉक्टर कीर्ति। आई एम किरण गोखले, एज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। नाउ आई टेक द प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस इमिटेंट साइंटिस्ट डॉक्टर दीपक पिंजारी। लेट अस हैव अ गिव बिग हैंड टू हिम। मराठी माणूसच आहे, सातारा जिल्ह्यातला जन्म आहे, त्यामुळे आपण त्याच्याशी मराठी, इंग्लिश, हिंदी कोणत्याही भाषेत संवाद साधू शकू। He is PhD in chemical engineering. Currently, Dr. Pinjari serves as associate professor at the prestigious Institute of Chemical Technology, Mumbai. One of the key areas of vast research and expertise of Dr. Pinjari is the development of protocols for synthesizing nanomaterials. It's a something different word, nanomaterials. उन्हें उनका पीएचडी है, उनका अभ्यास ज्यादा है उसमें। By focusing on process intensification, Dr. Pinjari aims to streamline chemical processes and maximize productivity. One of his notable works in the areas development of corrosion-inhibited nanocontainers of marine coatings. जितने भी मरीन शिप चलते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग लगता है वो करोजिव ना हो, इसका रिसर्च सर ने किया है। One of the Dr. Pinjari's research accomplished that stands our development of solar energy assisted protocols for the synthesis of nanoparticles in other chemical ingredients by utilizing solar energy. He has utilized solar energy for all this his research. So zero energy we can say, right, sir? Dr. Pinjari has over 100 international papers to his credit. Again, a big hand.
मतलब साइंटिस्ट हमारे साथ में है, हम खुश नसीब है। डॉक्टर पिंजर हैज ऑल्सो फाइव सेवन पेटेंट्स टू हिज नेम, सेवन पेटेंट्स प्रॉब्लम नेशनल एंड इंटरनेशनल आई सपोज। अब इतना बड़ा आदमी है हमारे साथ तो उनको तो बख्शीश मिलना ही है। उनको जो बख्शीश मिले हैं अभी तक के उनकी लिस्ट काफी बड़ी है। सॉरी सर, आई हैव मिनिमाइज योर बायोडाटा। एक्सपर्ट एक्सपर्ट मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एसपीएस यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 बाय साइंटिफिक प्लैनेट सोसाइटी देहरादून इंडिया, ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेंबर ग्लोबल यंग एकेडमी जर्मनी 2019 2024 स्टिल यू आर देयर, Yes. अवार्डेड इंफोसिस सोशल इनोवेटिव अवार्ड 2018 2019 बाय इंफोसिस फाउंडेशन बेंगलुरु इंडिया। जो बड़ा नाम है सुधा मुर्मू मैडम। ओके ओके। आई एन ए यंग एसोसिएट 2017 बाय द इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स न्यू दिल्ली एंड मच मोर, बट ड्यू टू टाइम टाइम कंस्ट्रेंट आई विल गो शॉर्ट एंड आई विल वेलकम डॉक्टर पिंजारी एंड हिज स्पीच। थैंक यू। हेलो सर, मैं आपका First of all, let me thank organizers for inviting me from, especially from the Nagpur side. It's too long, it's Mumbai, and they have done wonderful arrangements, each and everything. Can I take one call? Because it's really important. नहीं तो और sorry, because I am also associating human resource, and our current advertisement is going on. There are some changes then last minute, so the calls are coming. It was supposed to publish today, but now required to be delayed for some time. So again, thank you organizers for arranging each and everything. Thanks, Chaturia sir. Considering his age, his energy is more. Yes. And for him, age is just number. And I really appreciate the view and the way he delivered his thought process, his thoughts to us. And definitely, I have gained a lot of energy from him by sitting beside him and by after listening to him. Now, we'll come back and we'll try to see what best we can do as far as the cow is concerned. Because cow, for me, is definitely an emotional topic. Rather than emotional being an engineer, then become a scientist, it becomes
purpose for me as well. I born and raised in very small family of a village in very close to Pandharpur near Satara district border, and which comes under dry area. Akalka area, Purva Dushkala Sukhite, 8 to 9 months. So all the economics and everything is depend upon cow, buffaloes and sheep. And you'll be surprised to know that there is no single society in those areas. There are 9 to 10 tehsils of different from Sangli district, from Satara and from Solapur. There is not a single society because of the suicide of the farmers because of any reasons. And the simple reason behind it is the economics of the animals or animal. Sorry. Actually, kai mera Hindi utna acha nahi hai. She is from Hyderabad, so pardon me. राइट वर्ड मिलता है ना, वो मिलता नहीं होता और फ्लो निकल जाता है साइड पे. और डेफिनेटली आई वो लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द एज फार एज द हिंदी इज कंसर्न, बट कंसीडरिंग मुझे सातारा वाड़ लो डायरेक्ट मुंबई ला गेलो, सगळी दुनिया बदल ली, हिंदी बोलणारे कमी सापडले आणि हिंदी एक थर्ड लैंग्वेज होती शाळेत असताना हा पण एक प्रॉब्लेम. परत ती संस्कृत मध्ये आलं ते 50 मार्काची होऊन गेली. ठीक आहे, मी एज्युकेशन सिस्टीमला काही म्हणत नाही, पण एका छोट्या खेडेगावात जन्म घेतल्यानंतर हा गाई हा एक विषय जसा भावनिक आहे तसाच कमर्शियल पण नक्कीच आहे. आणि इतर संशोधनासोबत जो अभी इन्होंने गोखले साहब ने जो बताया कि किसके किसके एरिया पे काम करता हो, ये जो एरिया है हम लोगों ने 2016 में चालू कर दिया. उसके पहले डेफिनेटली कुछ भी इसके ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे थे. और ये एरिया चालू करने के पीछे भी बहुत राज है कि मेरे घर के जितने भी एनिमल्स थे मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद सब खत्म हो गए. तब मुझे कुछ तो अंदाजा आया कि नहीं, समथिंग इज गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड, यानी सब कुछ ना कुछ तो गलत हमारा हो रहा है. और हमारा पूरा खेती जितना भी था, हमारे इधर अनार ज्यादा आता है हमारे एरिया में, और अनार का पूरा अनार के ऊपर ना क्या होता है, मैं बोलता हूँ आपको जो फ्रूट है उसके ऊपर एक ना ऑयली लेयर आता है, दैट इज कॉल्ड एज तेलिया. नाउ व्हेन हम मैंने जब भी लाभ में तेलिया का संशोधन करने का कोशिश किया था, तभी मुझे पता चला कि उसमें 4 बैक्टीरियल है और एक फंगल है, और एक बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे कैटलिस्ट बनता है और दूसरों को प्रॉब्लम करता है, और ये जो भी होता है टिपिकल ह्यूमिड कंडीशन में होता है. सोच के पूरा खेती तो निकालना पड़ा. ऑब्वियसली हमारा 4 एकड़ का खेत था अनार का, वो पूरा का पूरा निकालना पड़ा. तो ये सोचने के बाद ऑब्वियसली पिताजी तो गुजर गए थे, ही वॉज वन ऑफ द माई गुड फ्रेंड रादर देन ही इज माई फादर. बट पिताजी जाने के बाद तो ये मैंने धीरे धीरे मुंबई में बैठ के ऑब्वियसली इज लाइक दिस एसी लैब्स एंड एवरीथिंग ऑल काइंड ऑफ द फैसिलिटी कि हम लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है, इंडस्ट्री को तो हम डेफिनेटली कैटर कर रहे हैं और वो हमारा प्राइम एजेंडा भी रहेगा बीइंग एन इंस्टीट्यूट. बट क्या कर रहे हैं इसके, धीरे 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 ये टॉपिक पे आए. इसके पहले हम लोगों ने बायोमास पे भी काम किया है कि बायोमास से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग गाय के ऊपर आए, क्योंकि आपको याद रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कत्तल खाना स्पेशली चेक करना चालू कर दिया. तभी मुझे ये स्ट्राइक आउट हो गया कि नहीं, बचपन की यादें तो डेफिनेटली, मैं घर में जब तक मैं 7th स्टैंडर्ड जिला परिषद स्कूल में पढ़ता था तब तक मैं मेरे घर की गाय भैंस के बाद, उसके बाद 9th 10th तक मेरे गाँव में था, छोटे गाँव में, इधर की पॉपुलेशन हार्डली 3000 है, अभी 3000 है, वो टाइम पे और कम रहेगी, तो पूरा संभालता था. तो एक अटैचमेंट ऑलरेडी थी. तो वो टाइम पे जो पिताजी ने सिस्टम बनाई थी मेरे गोबर कलेक्ट करने का या गोमूत्र या भैंस का भी जो आता है उसको कलेक्ट करने के लिए टैंक बनाया था. टैंक से वो 7 या 15 दिन में वो निकाल के पूरा उसको डाइल्यूट करके अपना इरिगेशन पाइप से वो खेती को जाता था. पूरा उनका उन्होंने एक सिस्टम बनाया था.
बट क्या होता है कि जो एक अच्छा आदमी घर का काम जो करता है वो निकल जाने के बाद बाकी आदमी घर के फॉलो नहीं करते, एंड प्रोबेबली आप इसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ एग्री करेंगे, क्योंकि जो मोटिवेटर रहता है ना घर का मेन आदमी, वो बीइंग अ हेड ऑफ द फैमिली बहुत कुछ सोचता है बैकग्राउंड में, सबको लगता है कुछ काम नहीं करता है, पर आइडियली ही इज द वन हु इज द बैकबोन ऑफ बैकबोन होता है पूरा फैमिली का। तो उसके बाद ध्यान में आया कि ठीक है गोमूत्र, गोमूत्र के ऊपर हम ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ काम किया है, we have developed more than 40 products from the Gomutra, which are self-sustainable. आज के टॉपिक टोटली काउडंग पे है, और काउडंग से जो जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी जो भी टेक्नोलॉजी बनाई हमारे हमारे लैब के लेवल पे वो आज इधर मैं प्रेजेंट करूंगा। उसके पहले इंट्रोडक्शन तो इन्होंने मेरा दिया, पर मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में मैं थोड़ा बोल देता हूँ। ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी शायद 99% लोग इधर जो बैठे हैं उन लोगों को पता नहीं होगी। ये इंस्टीट्यूट का पहला नाम था यूडीसीटी मुंबई, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो आज इंडिया का जो जीडीपी है उसका 10% कंट्रोल करने वाले बच्चे पैदा करने वाली ये इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट में मुकेश अंबानी पढ़ा है, 1979 में पास आउट हुआ है, बीटेक केमिकल उन्होंने उधर से किया। उसके बाद रघुनाथ माशेलकर ने उधर से बीटेक का पीएचडी किया है। अंबुजा सीमेंट नाम सुना होगा, उनका मालिक उधर ही पड़ा है। एशियन पेंट्स का मालिक उधर ही पड़ा है। फेविकॉल जो हम लोग यूज करते हैं उसका मालिक भी उधर ही पड़ा है। गोदरेज के बहुत सारे लोग उधर ही पड़े हैं। होमी भाभा के बड़े भाई उधर ही पड़े हैं, होमी सेठना नाम है उनका। बाद में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी सुना होगा, उनके वो भी फाउंडर के एनजी रेड्डी उधर ही पड़े हैं। ऐसे टोटल 600 के ऊपर एंटरप्रेन्योर जो बने हैं वो इंस्टीट्यूट के हैं। दिस इज जस्ट अ 16 एकर कैंपस, और ये इंस्टीट्यूट थ्रू प्रोजेक्ट कंसल्टेशन एंड थ्रू इंडस्ट्रियल कंसल्टेशन बहुत अच्छा आईआईटी से भी ज्यादा कमाता है। इधर के फैकल्टी एक एक उनकी एक एक लैब ही बड़ा इंडस्ट्री जैसा काम काम यूजुअली करता है। करीबन 100 के ऊपर फैकल्टी होते हैं एंड फुल प्रोफेशनली डील करते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है पर फुल कार्पोरेट लेवल स्टाइल है, वन डे पेपर क्लियरेंस है, गवर्नमेंट होके भी वन डे पेपर क्लियरेंस है। इधर के अभी तक 22 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है ये इंस्टीट्यूट के अलुमनस एंड इनको। तो दिस इज समथिंग अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट ने इंडिया के लिए बहुत बहुत ही कुछ दिया है। अभी रिसेंटली आपको याद रहेगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी साहब ने एक प्रोफेसर यादव का नाम लिया था हाइड्रोजन के लिए, वो यादव यानी यही इंस्टीट्यूट के। तो हमारे पहले इस अभी 2019 में वो इंस्टीट्यूट से रिटायर हो गए एज अ वाइस चांसलर। सो ये इंस्टीट्यूट का लिगेसी बहुत अलग है, और केमिकल में बहुत ही आज केमिकल का जितना भी इंडिया का बिजनेस हम लोग कलेक्ट करेंगे ना उसके एमडीएन सीईओ सीईओ 70% आपको यही इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। तो दिस इंस्टीट्यूट इज वेल कनेक्टेड विद ईच एंड एवरीथिंग। एक जमाने में एलआईटी नागपुर, अभी लिट्टू बन गया, एलआईटी नागपुर एंड ये इंस्टीट्यूट हैंड इन हैंड काम करती थी। धीरे 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 ये इंस्टीट्यूट ने अपना प्रोग्रेस अलग लेवल पे लेके गए, और एक एक क्या होते हैं कि आज क्लोज टू 7 to 10% इंडिया जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करना इज नॉट इजी एलुमनस। सो ये इंस्टीट्यूट के बारे में, सो वी विल कम बैक टू आवर ओन प्रोडक्ट ओन टॉपिक। तो आज के जो लेक्चर रहेगा उसमें गोबर से या काउ डंग से क्या क्या प्रोडक्ट आप बना सकते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़े बात करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी भी बात करेंगे, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी जजोड़िया साहब ने ये क्लियरली बता दिया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द काउ यूरिन एज वेल एज द काउ डंग। उन्होंने उनका एग्रीकल्चर लेवल से सोच के उन्होंने पूरा क्लियर कैलकुलेशन बता के बता दिया कि 25,000 और 10 काउ, 10 काउ संभालने के लिए 25,000 कैसे आपको मिलते हैं वो बता दिया। बट ये डेफिनेटली आपके एग्रीकल्चर या आपके लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें थोड़ा ना टेक्नोलॉजी डालेंगे ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा भी डालेंगे ना, तो आपको ये सोच के भी आप परेशान होंगे कि ये वंडर किधर तक जा सकता है, या शायद ना बाद में जिंदगी का यही मकसद हो सकता है कि मैं नहीं, मैं जिंदगी में मुझे गाय ही संभालना है, बाकी कुछ नहीं संभालना है। और अभी आपको याद रहेगा कि गो सेवा आयोग भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है, और वो देसी गाय के लिए काम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। उनमें एक गो सेवा आयोग के जो प्रेसिडेंट है शेखर मुंद्रा जी,
वो भी इसके बारे में बहुत कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं। हमारे लैब में भी वो कंटिन्यूअसली उन्होंने पुश किया है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे लेके आओ जिनके वो आगे जाके गाय को कैसे सस्टेनेबल बनेंगे उसके लिए कोशिश करेंगे। तो अभी बायो लेदर, बायो डीजल, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी जो हमारा प्लान है डायलिसिस के लिए जो मेम्ब्रेन लगता है ना किडनी फेल्योर में, वो मेम्ब्रेन इससे बनाए। अनफॉर्चुनेटली मैं फ्लाइट से आ चुका हूँ इसलिए सब प्रोडक्ट जो रेडी थे सैंपल भी थे लेकिन नहीं आया। बट जो लास्ट मंथ में मैंने जो पुणे में लेक्चर दिया था मोरोबंद पिंगले गोधन फाउंडेशन, वो टाइम पे सब प्रोडक्ट उधर अवेलेबल थे। देन बायो पेंट हम लोगों ने बनाया। डेफिनेटली आई नो कुमार अप्पा इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू टॉक अबाउट बायो पेंट, बट इसमें बायो पेंट पे इसलिए मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। बट बायो पेंट जो बना है वो बायो पेंट टेम्परेचर डिफरेंस जो आपका सनलाइट आता है वो 2 से 5 डिग्री कम करता है। बाद में पिगमेंट बनाया है, पिगमेंट यानी ब्राउन पिगमेंट बना है स्पेशली इससे जो मिलता है वो इसमें काउ डंग में एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है कॉल्ड एज ह्यूमिक एसिड। और ये जो ह्यूमिक एसिड होता है ना हमारे सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। जर एखाद्या झाडाचं मूळ पाहिलं तर ते पांढऱ्या मुळी ज्या म्हणतात ना त्या पांढऱ्या मुळी वाढवण्याचं काम ही ह्यूमिक एसिड करत असत। बट ये हम लोग ने ह्यूमिक एसिड लेके आगे आके ब्राउन पिगमेंट बनाया है। देन हम लोग अभी ये कोशिश कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो चुके हैं कि गोबर से सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट करके उससे सैनिटरी पैड कैसे बनाए। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। आप और ये 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो भी बनेगा पूरा का पूरा बायोडिग्रेडेबल रहेगा प्रोडक्ट। और दूसरा चीज ये है कि आज लेदर इंडस्ट्री को ये सपोज हम लोगों ने लेदर सेम टू सेम लेदर दे दिया तो जो कार्बन इमिशन है कार्बन इमिशन वाले वाले जितने भी रहेंगे वो कार्बन क्रेडिट पे निकल जाएंगे। कार्बन क्रेडिट एक ऐसा कंसेप्ट है कि कोई भी हमारा इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए हमको इतना पोल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली हमको परमिशन दिया होता है। ये परमिशन सपोज हम आपने आपकी प्रोसेस ऐसे बनाई ग्रीन बनाई कि प्रोडक्ट तो आपका बन रहा है पर प्रोसेस में आपने बदलाव कर दिए तो आपको जितना भी छोड़ने का गैस परमिशन है एयर में वो कम हुई तो बाकी लोग आपको पैसा देते हैं, वो आपका उतना जो कार्बन क्रेडिट है वो परचेस करते हैं। सो दिस इज द वे वी हैव गॉन। काउ डंग ले लिया है पहले, उसको एसिड ट्रीटमेंट कर दिया है, बाद में अल्कलाइन ट्रीटमेंट कर दिया है, उसको फिल्टर कर दिया है, उसके साथ कई माइंडर्स भी डाले हैं। और उसके बाद यू कैन सी द सम ऑफ द लेदर इवन ऑन द राइट साइड यू कैन फाइंड द लेदर एंड कितने परसेंटेज अपने फाइनल का बाइंडर हम लोगों ने 30% डाले, 70% कम इसलिए हम लोग उसको सेमी लेदर बोलते हैं, सेमी बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि आज उसका स्ट्रेंथ हम लोग अभी हमारा कोशिश ये है कि एक लिग्निन एक प्रोडक्ट है मार्केट में और लिग्निन बहुत मिलता है और ये स्पेशली पेपर इंडस्ट्री जो बनती है उसके लिए लिग्निन बहुत है। तो लिग्निन बेस हम लोग अभी एडेसिव बना रहे हैं और ये लिग्निन के एडेसिव उसमें बाद में डाल देंगे हम। तो लिग्निन के एडेसिव डालने के बाद ये 100% बायोडिग्रेडेबल या रिन्यूएबल सोर्स के बेसिस पे बनने वाला प्रोडक्ट है। आज लिग्निन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस क्योंकि आज पेड़ काट के जितने हम पेपर्स बना रहे हैं तो एक पेड़ में सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज एंड लिग्निन होता है। तो लिग्निन का 30% कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये जो 30% है ना वो डंप हो रहा है। और ये लिग्निन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसको खाली थोड़ा इपॉक्सी या ओ लेवल पे लेके जाना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है उसमें जो अनसैचुरेशन एंड हाइड्रोक्सिल होता है, तो उसके बाद इपॉक्सी बेस पे ये प्रोडक्ट बन सकता है। और नहीं तो इसको नोवेलाइट नाम का एक प्रोडक्ट है, बेकेलाइट बोलते हैं मार्केट में उसको, वैसे प्रोडक्ट ग्लू बनेगा और ये ग्लू एंड ये काउडंग से जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ प्रोडक्ट है वो दोनों का प्रॉपरली लेदर बनेगा। आज के जमाने में 70% पूरा रिन्यूएबल मटेरियल है, 30% हमको ये मार्केट यूज करना पड़ता है। इसके कई प्रॉपर्टीज है, आई थिंक इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड बट समबडी वांट टू समबडी इज टेकिंग द फोटो, आई डोंट माइंड। कॉस्टिंग, थोड़ा कॉस्टिंग के बारे में अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। तो एवरेज कॉस्ट इज डिफाइंड फॉर 1 लेदर शीट मेड फ्रॉम 1 kg काउ डंग बाय एडिंग लेबर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट चार्जेस द कॉस्ट इज बीइंग 120 1 kg से का लेदर जो बनने वाला है
एक किलो से जो लेदर बनेगा वो कम से कम 25 x 25 सेंटीमीटर बनेगा। और मार्केट में आप कॉस्ट निकालेंगे ना, दो दो एमएम की थिकनेस, थिकनेस के ऊपर भी है थोड़ा, क्योंकि मटेरियल है ना, तो आप कॉस्ट निकालेंगे तो आप इजीली इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट आ सकता है। तो टोटली हम लोगों ने जो कॉस्ट निकाला है वो कॉस्ट आ रहा है 90 रुपीज आप और एरिया व्हाट इज द वन एरिया 1 kg 25 x 25 सेंटीमीटर 8 इंच एट इंच बाई। तो आप जाके ना मार्केट में चेक करो कॉस्ट कितना बाई है। 10 बाई हाँ डेफिनेटली आज के मार्केट की कॉस्ट जो आ रही है इतने करने के बाद कम से कम आपको 1200 या 1300 रुपए की कॉस्ट है। यस ये आप जस्ट इन्वेस्ट 90 रुपीज और प्रोसेसिंग कॉस्ट ये सब सब पकड़ के 120 तक आएगा मैक्सिमम कॉस्ट। 120 रुपए के कॉस्ट में आपको 10 टाइम्स प्रोडक्ट मिलने वाला जो मार्केट। और दूसरा क्या है कि रिन्यूएबल है। आज कत्तर खाने से जो आपकी गाय कटवाने के बाद जो स्किन बचता है उससे लेदर बनता है सर गिल्ट फ्री या गिल्ट फ्री। है और ये सपोज एज राइटली सेड बाय जजड़िया साहब, मार्केटिंग, ये मार्केटिंग कर दिया ना किसी ने, ये यूरोप वाले या अमेरिकन वाले वेगन वाले जो लोग हैं ना, प्रॉपर वेगन लेदर यूज करने वाले, ये कॉस्ट 1200 की ना मेरे हिसाब से 12,000 बन जाए, 12,000 12,000 बन जाए। तो ये ऐसे लेदर के बारे में ये कैलकुलेशंस। और दिस इज ऑल इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी एट TRL लेवल 4। नाउ TRL लेवल 7 पे सक्सेसफुल किया है, TRL लेवल 10 अभी भी बाकी है टू बी फ्रैंक। एंड TRL लेवल 10 यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेक्नोलॉजी वायबल होती है बनाते हैं उसको TRL लेवल 10 बोलते हैं। पायलट लेवल के जो लेवल पे होता है वो 7 होता है और लेबोरेटरी स्केल पे लेवल जो होता है TRL लेवल 4 होता है। बट एक मैं बताता हूँ, ये TRL लेवल 4 के कैलकुलेशन है। तो TRL लेवल 10 पे जब भी जाते हैं ना तभी और कम आता है कॉस्ट, क्योंकि वॉल्यूम का बिजनेस होता है बाद में और सिस्टम सेम होता है, लेवल सेम होते हैं, आपको एनर्जी इंटेंसिव एप्लीकेशन यूज करने की आपकी कोशिश होती है उसमें। नेक्स्ट इज द बायोडीजल। सर वन क्वेश्चन ऑन काउ डंग लेदर हाँ सर। प्लीज। सर व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन काउ डंग लेदर एंड नॉर्मल लेदर? नॉर्मल लेदर जो बनता है आज मार्केट में, जो नॉर्मल लेदर बनता है इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं, कुछ भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज वाइज नहीं, प्रॉपर्टी वाइज भी ज्यादा नहीं है डिफरेंस, क्योंकि हम लोग एडहेसिव जो यूज कर रहे हैं उसमें उसमें वो प्रॉपर्टी भी मैच हो रहा स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रेंथ वाइज भी सेम, प्रॉपर्टी कुछ भी प्रॉपर्टी। इसका अभी जो इमीडिएट जो पुणे से हम लोगों ने लेक्चर देने के बाद कई इंडस्ट्री वाले आ गया है, जो अभी पुणे में जो इंडस्ट्री है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है मेजर, और बाइक की इंडस्ट्री ज्यादा है। सो बाइक के ऊपर का कवर जो है ना पीछे जो हम जिसपे बैठते हैं वो शायद कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी से शायद बन सकता है। अभी तक एग्रीमेंट कुछ भी साइन नहीं हुआ है, बट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज कमिंग फ्रॉम दोज इंडस्ट्रियलिस्ट। और उनको ना ये भी करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वेगन लेदर आ गया तो कॉस्ट भी बढ़ने वाला है, धंधे वाला धंधा ही करने वाला है उसका, वो छोड़ दो आप, और उसने नहीं किया तो भी धंधा नहीं चलेगा। बीइंग अ फार्मर हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन। वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं ये देखने के बाद आई एम श्योर, एक मिनट लेता हूँ, श्योर कि आप डेफिनेटली ये सोचेंगे कि यार दूध छोड़ देते हैं हम लोग, वासराला दूध छोड़ दी, वापस बछड़े को दूध छोड़ देते हैं, बाकी चीजों पे हम काम करते हैं। ये इतना होने के बाद डेफिनेटली आप बोलेंगे सर तेची लाइफ सद्या जे आम्ही काढलेले 5 वर्षा जे है। दादाजी हाँ नहीं आम्ही देशी गायीवर कॉन्सन्ट्रेट केलेला आहे, देशी गाय आणि म्हैशीचं वापरू शकतो कारण त्याच्या त्याच्यात जे कॉम्पोनंट आहे, जर्सी गाईचं डेफिनेटली वापरू शकत नाही। जर्सी गाईचं शेण पाहिलं तर ते शेण राहतच नाहीये, ते म्हणजे एक बुळकांडी नावाचा आजार असतो ना तो प्रकार आहे। त्यामुळे फॉरगेट अबाउट जर्सी गाई, आय एम नॉट टॉकिंग हिअर अबाउट द जर्सी गाई। आणि देशी गाईचं जर शेण पाहिलं तर ते थोडस ब्राउनिश असतं आणि घट्ट असतं, आणि त्याच अगेन्स्ट म्हैशीचं पाहिलं तर थो ब्लॅक असतं, ब्लॅक आणि ग्रीन कलर असतो, ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्याकडे त्यांच्या हिशोबाने। आणि जर जर्सी किंवा होलिस्टन गाईचं पाहिलं तर ते सापडतच नाहीये,
you can have some videos, because Israel countries have a lot of automations as far as the Holstein cows are concerned. So tumhala tyacha je chain sapde te tumhala tyacha andaz. तर नेक्स्ट जे आम्ही प्रॉडक्ट बनवलेलं आहे याच्यापासून बायो डिझेल बनलेलं आहे. तुम्हाला खाली तीन बॉटल दिसतील बघा, त्याच्यामध्ये तीन बॉटल मध्ये तुम्हाला बायो डिझेल मिळेल. आणि ह्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया कराव्या लागतात त्याच्यामध्ये. आणि सध्याचं जे डिझेल कॉस्ट आहे मार्केटमध्ये त्याच्यापेक्षा कैक पटीने हे स्वस्त पडू शकत. गोमूत्र इज टोटली डिफरेंट. एंड गोमूत्र का मैं बता देता हूँ, गोमूत्र भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है. ऐसे गोमूत्र आप रखेंगे ना वो खराब हो जाता है. यानी गोमूत्र कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिनके इनके पास प्लांट है, जो देसी दारू काटता ना, सेम प्रक्रिया वापर डिस्टिलेशन सेम डिस्टिलेशन हा म्हणायला चांगला वर्ड है, पण ज्यांना माहित नाही डिस्टिलेशन म्हणजे काय, देशी दारू गावी गावी काढतात. माझ्याही गावी काढतात, खोटं कशाला बोलतो, माझ्या मळ्यात काढतात, नाही माझ्या मळ्यात काढतात. दॅट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. कुठल्या लेवल चे झाले, कोणती लेवल तक किस TR4 कारण हा, कारण काय माहितीये का, याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी जेव्हा आपण एखादी डेव्हलप करत असतो ना, यू आपको बहुत टाइम लागतात. ऐसे नहीं आज जो रिजल्ट दिखा रहे हैं वन डे शो है, डेफिनेटली नहीं है. और आपने ये कितना भी करने का कोशिश किया तो ये आपसे भी नहीं होगा. इतना हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दिस टेक्निक इज फॉर द सोसाइटी, बट वी हैव टू रन द इंस्टीट्यूट एज वेल. जवळपास ना तुम्हाला 55 रुपये कॉस्ट कॉस्ट तुम्हाला ऑलमोस्ट पडते. आणि तुम्हाला सर्वसाधारणतः 1 किलो पासून 1 लिटर बायोडिझेल बनवत आहे. 1 लिटर पासून 1 लिटर बायोडिझेल तुम्हाला बनवता येईल, एवढे याच्यात हे पोटेन्शियल आहे. 1 किलो पासून 1 लिटर बायोडिझेल तुम्ही बनवू शकता. फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन आपके. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमको दिखा है वो मैं बोलता हूँ कि सेग्रीगेशन ऑफ द रॉ मटेरियल. आपका जो अभी ये होता है ना, काउ डंग होता है ना, किंवा शेन होता है ना, उसमें कचरा भी होता है. वो कचरे पहले सेपरेट करना पड़ेगा, उस पर ज्यादा कॉस्ट जाएगा, आगे का कॉस्ट कम जाएगा. नहीं आपको एक तो है, कम से कम एक 50 से 60 लाख रुपए का प्लांट डालना पड़ेगा, और आपको कम से कम 1,000 1 टन ऑफ काउ डंग नीड टू बी प्रोसेस डेली, अदरवाइज इट्स सेल्फ सस्टेनेबल नहीं. व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 1 मेट्रिक टन ऑफ काउ डंग? 1 मेट्रिक टन 8 to 9 hours कंटिन्यूअस प्रोसेस. वन वर्किंग शिफ्ट इज रिक्वायर्ड, वन और टू वर्किंग शिफ्ट मैक्सिमम, 1.5 साफ करने के लिए भी जाएगा. 8 घंटे की पूरी प्रोसेस रहेगी. इज देयर एनी प्रोजेक्ट व्हिच इज कमर्शियली स्टार्ट एंड वायबल? नो, वी हैव डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी एट लैबोरेटरी लेवल, सो वी आर आल्सो लुकिंग अ पार्टनर्स टू इन्वेस्ट इनटू दिस, सो दैट जॉइंटली दिस टेक्नोलॉजी कैन बी कमर्शियलाइज. सो वी आर लुकिंग द पार्टनर एट टीआरएल लेवल 7 एट पायलट लेवल, पायलट स्केल, पर पायलट स्केल. Both come in by product. So this is mostly of academic interest rather than the commercial. No. It's a purely commercial. Otherwise, ये costing हम लोग नहीं करते. अभी इसका costing भी कर दिया है. ये biodiesel का plant डालने के बाद ये आज जो 55 rupees cost है, वो down होके 42, 45, 4 rupees तक आई. What are the partnership terms? As per the institute, जो भी रहेगा. As per the royalty रहेगी institute को, सब कुछ जो भी रहेगा. और जो मुझे पैसा आप दे रहेंगे, उसका 1/3 institute को जाएगा. पायलट लेवल पे 50 से 60 लाख रुपीस लग जाए. पायलट लेवल हम लोग पहले बोलेंगे, क्योंकि क्या है, कोई भी चीज के लिए प्लान डालने की बड़ी बातें करने से अच्छा है कि पायलट लेवल पे पहले ये करो. पायलट लेवल इज अ बीच वाला. पायलट लेवल वाले क्या एडवांटेज? पायलट लेवल से वी हैव टू प्लान से 100 kg काउ डंग टू बी प्रोसेस्ड.
तो वो होने के बाद जो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इसका कन्वर्जन रेट क्या है, इसके काइनेटिक्स क्या है, इसकी यील्ड कितनी आ रही है। लैबोरेटरी लेवल पे यील्ड बहुत दिखाती है अच्छी, पर जब भी ऊपर के लेवल पे जाते जैसे कॉस्ट कम होती है ना वैसे यील्ड भी कम होती है, ये प्रॉब्लम्स है उसमें। तो ये सब पूरा करने के लिए एवरी स्टेप के ऊपर काम करना पड़ता है। प्रोबेबली इज अ केमिकल इंजीनियर ही हैज एन आइडिया, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यानी कोई भी ऐसी नहीं है कि नहीं मैं आज लैब में बन गया चल कल प्लांट में ले लिया, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती और इम्पॉसिबल है। How does the carrot आपने calculation किया? 3 rupees, 3 to 4 rupees. दो रुपए से मिलता है काउंट? मिलता है, नहीं मैं 4 rupees इसलिए किया क्योंकि जो खाद जाता है इसके लिए खेत के लिए उसको 4 rupees पर केजी से मिलता है, एट कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एवरीथिंग। प्योर फॉर्म में चाहिए या प्योर करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट इज अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत काम चालू है तो लिटिल बिट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो राइट पे आपको फिगर दिख रहा है लास्ट में, दैट इज अ मेम्ब्रेन। नाउ मेम्ब्रेन आपको याद आई तो आपको लगता है कि ये मेम्ब्रेन ना पानी प्यूरिफिकेशन के लिए, पर पानी प्यूरिफिकेशन के लिए जो मार्केट में मेम्ब्रेन है वो सस्ता है, वो वही यूज कर, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जितना भी इमोशनल टच दिया तो भी यूजफुल नहीं है। तो इसलिए हम लोग ना ये मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ दे के हम लोग डायलिसिस के लिए यूज करेंगे। सो इफ द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड से और putting a pressure on all hospital industry that 10% material, जैसे इथेनॉल को कंपलसरी यूज कर दिया ना वैसे ये इसको कंपलसरी यूज करना है आपको गोबर के प्रोडक्ट या काउ के प्रोडक्ट, तो ये कंटिन्यूअसली मोड पे सस्टेनेबल पे चला जाए। नेक्स्ट इज अ बायोपेंट, एंड बायोपेंट आप सबको पता है एंड ये तो बायोपेंट पे बोलने ही वाले हैं, पर उसके जितना भी है मैं थोड़ा बता देता हूँ जो हम लोगों ने किया है। ये मैं बाय पेन थोड़ी देख लेता दूसरे स्लाइड। नेक्स्ट इज द पिगमेंट व्हिच वी आर टॉकिंग, एंड पिगमेंट is one of the wonderful product and which we have synthesized the brown pigment from the material humic acid liya hai. Isse cow dung se jo biomass hota hai cow dung ka usse alkaline treatment deke hum logon ne filter karke humic acid separate kiya hai, aur ye humic acid ko aage leke hum logon ne pigment banaya, aur wo pigment is as compatible as the market pigment of the brown pigment and ye easily koi bhi level pe nikal ja sakta. आप ये पेंट के साथ यूज कर सकते हैं, आप ये इसका इवन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए जाएगा, बहुत सारी इंडस्ट्री को जाएगा। फैब्रिक ये बहुत सस्ता होता है या बट कॉस्मेटिक के लिए मेजर सर। तो ये ओवरऑल थोड़ा कैलकुलेशंस उसमें किया है। सपोज 25 kg हम लोगों ने काउ डंग ले लिया तो पूरा का पूरा जो कॉस्ट आएगा वो 92 rupees आएगा, और एक एक किलो पिगमेंट बनाने के लिए टोटल कॉस्ट आएगा 563, एंड मार्केट का कॉस्ट 1 kg ऑफ द ब्राउन पिगमेंट इज मोर देन से 1800 to 2000 rupees. चला जाएगा लोशन आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या इसमें किधर भी आप यूज करना है कर लो, फैब्रिक जो होते हैं स्पेशली जो हाई रेंज फैब्रिक होते हैं उधर यूज कर लो, पर फॉर कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं। मुझे साड़ी पे प्रिंट आउट प्रिंटिंग निकालना है जो 150 rupees में मिलती है उसके लिए इसने पिगमेंट कभी भी यूज नहीं, बिल्कुल नहीं यूज।
एयर टाइट ही रिड्यूस होता है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होता है। वंस द पिगमेंट इज डेवलप्ड देयर आर नंबर ऑफ एरियाज व्हिच वी कैन कंसीडर। ये कॉस्ट इफेक्टिव हुआ ना, आपका टोटल जो मार्केट से पिगमेंट लेते हैं उससे ये कॉस्ट कम होगा। आपको एक मैं चीज बता देता हूँ, काउ डंग का फायदा। मे बी आई एम फ्रॉम आई बॉर्न एंड रेज इन विलेज, सब आप में भी कुछ लोग कई लोग रहेंगे, और जैसे नागपुर का एनवायरमेंट है वैसे ही हमारे गांव का एनवायरमेंट है। अलग कुछ नहीं, पानी नहीं है, 8-8 महीना तो पीने के लिए अभी टैंकर चालू हुआ है, तो सेम सेम कंडीशंस आप अंदाजा ले सकते। तो पहले जमाने में जितने भी घर होती थी माळवदाची घर होती, ठीक है, माळवदाच्या घरी आणि 3-3 फुटाच्या भिंती होत्या दगडाच्या मातीच्या, राईट। तर त्याला ना म्हणजे माझ्या तरी घरी एक शाडूची माती मिळायची, एका ठिकाण होतं आमच्या गावात, त्याच्या ते घरी आणून त्याच्यामध्ये शेण मिक्स केलं जायचं गाईचं, आणि ते शेण मिक्स करून सणाच्या वेळेस म्हणजे दसरा असेल, गुढीपाडवा आपला असेल जो येतो, वर्षातून 2 वेळा तर माझ्या घरी मी ते सारवताना पाहिले, किंवा मी पण सारवलेलं, तेव्हा खाली पण शेण सारवलं जायचं। एक ऑब्झर्व करा फक्त तुम्ही, त्या काळात एकालाही ब्रॉन्कायटिस नव्हतं, एकालाही अस्थमा नव्हता, एकालाही पोटाचे विकार नव्हते, लिमिटेड खायचं, लिमिटेड सगळं आयुष्य होत। नाव दिस इकॉनॉमिक्स जे आहे आज आपण ह्याच्यापासून एवढं लांब निघून गेलोय, अँड वी हॅव लाईक ऍडजस्टेड अवर सेल्फ विथ मेनी डिसीजेस। आज जितने भी डिसीज है मार्केट में ये सब है, आज लादी पे हम लोग चलते भागते हैं, तो डेफिनेटली जो एक्यूपंक्चर वाले है वो डायरेक्टली बोलते हैं गलत आप कर रहे, लादी पे सोते हैं डायरेक्टली, जो पहले सोने के लिए भी सस्टेनेबल वेज थे, घोंगड किंवा जेन असायचं, घोंगड किंवा जेन असायचं। सो विलेज इकॉनॉमी वॉज अ परफेक्ट ऍट वन्स अपॉन अ टाइम, आणि त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर काऊ डंगला खूप महत्व होईल। तुम्हाला आठवत असेल दसऱ्याला थोडे देव करतात, दिवाळीला दीपावलीला देव करतात थोडे, तेव्हा खाली टिपिकली साळवलं जातं आणि ते देव केले जातात प्रत्येकाची एक ना, म्हणजे आज जस्ट आपण काय करतोय, रिसर्च करतोय, वी आर री इन्व्हेंटिंग व्हॉट अवर फोर फादर्स हॅव डन, नथिंग मोर दॅन दॅट। इवन दो वी आर अ सायंटिस्ट, वी हॅव अ नंबर ऑफ आवर्स, वी आर डुईंग ब्ला 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 थिंग्स, दॅट इज फाईन, बट वी आर री इन्व्हेंटिंग अवर सेल्फ, बाकी याच्यापेक्षा वेगळं काहीही करत नाही। तुम्ही आज घरी गेल्याने तरी काम करा, कोळसा कुठून मिळतो त्या मार्केटमध्ये आहे तो कोळसा घ्या, त्याला थोडं मीठ टाका, बारीक त्याची पूट करा आणि घासा, मार्केटच्या पेस्ट पेक्षा तुम्हाचे दात चकचकीत दिसतील। आणि पूर्वी काय केलं जायच्या, गोवाऱ्या केल्या जायच्या, म्हणजे तो टॉपिक मी याच्यात कव्हर नाही केलेला, पण वी हॅव ऑल्सो डेव्हलप चारकोल्स अँड ऍक्टिवेटेड कार्बन फ्रॉम कंटिन्युअस ऍक्टिवेटेड कार्बन फ्रॉम द गोबर। तुम्ही पूर्वी काय करायचे, एक तर लिंबाची काडी वापरायची, नाहीतर हात वापरायचे, तेव्हा तंबाखूची मशेरी एक नंतर आलं, त्याच्या आधी पोरवालची होती, पोरवालनं काही दिवस नीलगिरीचे प्रॉडक्ट विकले, पण त्याच्या पण अगोदर जर गेला ना तर गोवारे असायच्या, त्या आपल्याला सकाळी पाणी तापवायला वापरल्या जायचं, पाणी तापायला वापरलेले गोवाऱ्याचा कोणतरी काहीतरी टाळायचं आणि ते बारीक करून घासायचं, त्याच्याने जे दात आणि हिरडी जी मजबूत झाली ना तुमची, ती म्हणजे आता त्या त्या जमाने जे जेणेजेणी केलेले त्यांची मजबूत आहे, बाकीचे सगळे डॉक्टरकडे जातात, बाकीचे सगळे डॉक्टरकडे जातात। त्याच्यासाठी छोटा एक्सपेरिमेंट म्हणून आज तुम्ही घरी जा, आप घर पे जा, कोयला ले लो, कोयले में ना बारीक उसका चूर्ण कर लो और उसमें थोड़ा नमक डाल दो आपके घर का, जो आयोडीन वाला नमक, और उसको पेस्ट करो, मैं गारंटी देता हूँ इधर इधर बैठ के कि आपके दांत उससे जितने क्लीन होंगे उतने ब्रश से भी नहीं होते, कोशिश करो आप। उसके बाद मुझे ईमेल आईडी एड्रेस दिया है, सर आपने गलत बता दिया, तो लिख दो, चाहे तो मैं मेरा नंबर भी देता हूँ। एक्टिवेटेड चारकोल आपको गोबर से करना है ना, एक काम करने का, कोई भी ऐसे कसलं पण एक भांड घ्या तुम्ही, या ऐसे कुछ भी ऐसे युटेन्सिल ले लो, उसको ना ऊपर से पैक कर लो, अंदर पहले गोबर, ड्राई गोबर या ज्या गोवाऱ्या म्हणतात ना उसमें अंदर डाल दो छोटा छोटा करके, और ऊपर से उसको पैक कर दो, दम बिर्याणी करते ना हम लोग दम बिर्याणी जैसे, उसको ना पूरा ऊपर से पैक कर लो और नीचे से उसको हिट कर, जितना ऑक्सीजन रहेगा उससे वो थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो बाद में निकलेगा निकल जाएगा, पर बाकी का जो बचा है दैट इज एक्टिवेटेड चार्कोल।
कार्बन में आपको बेसिकली वो एक्टिवेटेड कार्बन आगे जाके रिएक्ट होता है, इसलिए उसको एक्टिवेटेड बोलते हैं। इधर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। नॉन एक्टिवेटेड कुछ भी काम के नहीं होते हैं, बट नॉन एक्टिवेटेड भी आपका काम करता है ऐसे ऐसे चीजों के लिए, ऐसे नहीं के नहीं है, पर एक्टिवेटेड विल डू मच बेटर थिंग्स। सर आपने जो बोला था कोयला जो होता है वो दगड़ी कोळसा तो अपने करते हैं दगड़ी लोग। हां सॉरी यार, दगड़ी कोळसा वापस आ गया, माय बैड माय बैड, डोंट यूज। ये टाइम तो उन्होंने बताया था, ये बताए ऑक्सीजन जब भी हम लोग बनाते हैं ना उसको एक्टिवेटेड बन जाता है। सर मैं भू विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापर से कनेक्ट हूँ, 30 साल से वहां संस्था है। बाकी सब चीज के लिए अगर मेरे को टाइम देंगे तो 5 मिनट में बोलूंगा। खाली आपने जो अभी बताया ना, हम लोग वहाँ बनाते ही है गोबर कोयला पाउडर कपूर वगैरह सब डाल के उसका दंत मंजन रेडी मिलता है मार्केट में, यानी किसी को भी लेना है तो तुरंत। वेरी गुड, उसके सिवा हम लोग बहुत सारी प्रोडक्ट है, अगर आप बोलोगे 5 मिनट में दूंगा जितना। मेरा नहीं है, ऑर्गेनाइजर की है। हाँ, ऑर्गेनाइजर जैसे भी बोले, मैं तो शास्त्र में हूँ। ये बहुत बड़ी संस्था है और उसमें करीबन 1000 अपने गौवंश वहाँ है, और जो गौ से दूध मिलता है ये थोड़ा बहुत जो दूध मिलता है हमारी स्कूल चल रही है। मैं इसलिए बोला कि ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि दूध विल बी द को प्रोडक्ट, क्या है कि दूध हम लोग पीते हैं इसलिए उसको बाय प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं को प्रोडक्ट बोलना चाहता हूँ उसके लिए। वो भी हमको बहुत कुछ चीजें देता है, तो इसलिए ना एक आज जाके ना घर पे ना छोटा एक्सपेरिमेंट कर लो, आपको पता चलेगा कि आप किधर हो। एंड इसके ऊपर भी और एक चीज है, ये यूज करके दातुन जो होता है ना अभ्रंश दातुवन पर बनता है वो भी बन जाता है, उससे दांत ब्लैक हो जाते हैं, दांत उससे ब्लैक हो जाते हैं, बट उससे जो दांत को स्ट्रेंथ मिलती है और जो चिरडे आपने पक्के रहता था ना कभी जरा मुझे त्याच्यामुळे चांगले कभी जरा। हे आमचा सध्या एक्सपिरियन्स चालू आहे, कारण टाइमच्या अभावी मी जरा बंद कमी करतो, आणि पेंटचं मला फक्त दाखवायचं आहे तुम्हाला किती एका किलोच्या शेणापासून 1 kg काउडन से हम लोग करीबन 22 लीटर पेंट बना सकते, ये मुझे स्लाइड दिखाना था। तो इसका इकोनॉमिक्स के बारे में आप सोचो भी मत, मार्केट में जो आज हिमाचल मिलता है 10 लीटर का जो डब्बा होता है उसकी कॉस्ट है 2500 रुपए, और इससे इससे बनाएंगे ना कॉस्ट 300 रुपए तक आपको 10 लीटर मिल जाएगा। ऐसे 1 किलो काउडंग से करीबन 22 लीटर आप हम लोग पेंट बना सकते हैं। साइड आई क्या तो 1 kg ऑफ काउ डंग विल गिव यू 22 liters ऑफ द पेंट, दिस इज अ वेरी सिंपल। तो मुझे नहीं लगता है कि नेचर ने इससे बड़ा कुछ कुछ दिया है, और हम लोगों ने जो पेंट इस पे डेवलप किया है ना वो 2 से 5 डिग्री आपका अंदर का टेम्परेचर कम करता है, यानी आप सोचो कि एसी कितना कम करना पड़ेगा, आपकी लाइट कितनी बचेगी। अभी इधर आप चंद्रपुर नजदीक है इससे आपको टेंशन नहीं है, बट मुंबई में क्या है जब भी 1 यूनिट लाइट चाहिए ना तभी 2 kg चंद्रपुर में बर्न करना पड़ता है कोयला, 200 मिलीग्राम ऊपर निकल जाता है और 1 यूनिट ट्रांसमिशन लॉसेस है, 50% ट्रांसमिशन लॉसेस है। तो उधर हम लोग ना ये बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, बट आपके आपके लिए नजदीक है, बट आपके लिए भी 25% तो लॉसेस डेफिनेटली रहेंगे इधर इधर होने के बाद भी। सो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेनी पर्पजेस दिस इज गोइंग टू क्रैक द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वेरी सुन। एंड पुणे में अभी बहुत कुछ चीजें चेंज हो चुकी है, पुणे में जो एक संघ का एक कार्यालय है उसको बायोपेंट लगवाया है, तो व्हेनेवर यू विजिट द पुणे यू कैन डेफिनेटली सी द
पेंट, इसकी ड्यूरेबिलिटी सब कुछ चीजें मैडम। इसका पेंट का आप लोग अगर सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना आता है इसका मार्केट में? अभी आपको ना एक तो प्रोडक्शन बेसिस पे डिपेंड होता है, एक तो ना पहले चेक करना चाहिए कि मार्केटिंग आप कितना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं, वो जब आप हमको बताएंगे ना उसमें इन्वेस्टमेंट हम बता देंगे। नहीं तो क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट डालेंगे मार्केट में, आपका पेंट बचेगा बेचेगा नहीं, देन वो पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है, ब्रेक इवन होना चाहिए ना। सर मुझे एक क्वेश्चन है आईटीसी से जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, सब चाहेंगे कि आपकी टेक्नोलॉजी वो लोग ले, तो उसके क्या प्रोसीजर है, क्या पॉसिबल है, कितना खर्चा? यू कैन राइट टू अस, मेरा ईमेल एड्रेस रहेगा dv.pinjari@ictmumbai.edu.in रहेगा, वो स्पेल में सबका कॉन्टेक्ट और ईमेल आईडी बाद में ग्रुप में डाल दो। ठीक है, नहीं तो जिसको राइट आउट करना है वो इधर है dv.pinjari@ictmumbai.in, नहीं तो dpinjari@gmail.com। आईसीडी के प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, यू हैव टू राइट टू मी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि हम लोगों ने ये सुना, ये ऐसे किया, इधर इधर हमको ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, देन वी विल कॉल यू एट अवर इंस्टीट्यूट, वी विल ट्राई टू शो यू द डेमोंस्ट्रेशन दैट वी हैव डन, एंड उसके बेसिस पे हम लोग NDA साइन करना पड़ेगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वंस वी हैव साइन द NDA, देन वी आर ओपन, वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन द काइंड ऑफ द, एक दो चीजें से होगा, एक तो हमारे जितने भी इन्वेंटर है दे विल हैव सर्टेन परसेंटेज ऑफ द इक्विटी, और वी कैन डायरेक्टली सेल द टेक्नोलॉजी, हम लोग बेच सकते हैं पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी पूरी बेच देंगे, और ये टेक्नोलॉजी पे जितना भी रॉयल्टी रहेगा वो रॉयल्टी उस पे एग्रीमेंट में मेंशन रहेगा। टेक्नोलॉजी बेचते से आप बिडिंग प्रोसेस से जाते हो कि नहीं? बिडिंग नहीं, वन टू वन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। There is such NDA is made in Maharashtra. Non-disclosure agreement of our institute is already there. No, but then with for this paint technology and all that? Yes, yes, yes. We have already developed that. And Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology have already tested our products in with their several buildings. Because IT, Infrastructure Technology, Mahapreet is one of the PSU under Samaj Kalyan Department, Social Welfare Department. And recently, Mahapreet has fetched more than 74,000 crore fund at Davos. So, Mahapreet is keenly interested in developing this plant. And they are looking for the partners who can produce. So, ये technology आपने एक तो भेज दी, वो उसकी हो गया क्या? आप किसी को भी दे सकते हो? नहीं नहीं नहीं, उसकी हो गई, परमानेंट की उसकी हो गई, एक बार भेज गए तो उसने सपोज अभी हमको पायलट स्केल में इन्वेस्ट उसने किया है, तो बाद में हमको जब भी किसी को बेचना है ना, आई नीड योर कंसेंट, हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं बेच सकते किसी को। इरादा बहुत अलग होता है। अश्विन दानी एशियन पेंट्स फाउंडर, अभी वो लेट हो गए, वो गुजर गए, उनका जो बच्चा है मालव दानी, वो इज अ वेरी कीन इन टू दिस एक्टिविटी, बट उनको क्या करना है कि एक ही बार आपको खत्म करना है। That is all time like business का strategy अलग होते हैं। 100 crore तो कोई भी business हो ना, 100 crore तक ना बहुत technical technology बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सौ और आपको बहुत respect देते हैं, but the moment business crosses 100 crore वो बाद में पैसे का game चालू होता है, क्योंकि वो तब तक sustainable already हो चुका होता है। ठीक है, thank you for listening me. और टेक्नोलॉजी कौन से अवेलेबल है सर जो लेवल 10 तक पहुंच गया? पेंट पेंट और लेदर भी ऑलमोस्ट, लेदर के अवेलेबल है, पर सर 10 लोगों को क्यों नहीं दी जा सकती? नहीं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को दे रहे हैं ना। अभी सबो जलड़िया साहब ने हमारे ऊपर 1 crore डाला है, तो बाद में ये आए तो जलड़िया साहब को लगना चाहिए ना, इन्होंने 1 crore डाला है ना, इन्होंने CSR बन के हमारे इधर डाला तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर इनको 1 crore डालते समय इनको भी पैसा कमाना है, तो वो कैसे करेंगे, दूसरे को दे देंगे?
जैसे छोटे छोटे होते हो तो शुरू ही हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? अभी इन्वेस्टर हमको मिले कि उनका ठीक है, नहीं अभी हमको ये सबको दे देंगे तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने ज्यादा गवर्नमेंट की इंडस्ट्री होगी उतना ज्यादा मार्केट में आएगा, तो उतना ज्यादा उसका। ऐसे भी हो सकता है ना, वो जैसे दूध कलेक्शन सेंटर है वैसे वो आदमी गोबर कलेक्शन सेंटर भी बना सकता है, ठीक है ना? सो स्टार्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एक इंडस्ट्री कितनी स्केल अप उनका मदर करेगा, कितना प्रोडक्ट मदर डेयरी सामान का होगा इसको आप लोग विलेज लेवल पे इंडस्ट्री के तौर पे भी देखना चाहेंगे तो ये तो मेरे लग, मुझे लगता है हर एक तहसील में एक सेंटर होना चाहिए, कलेक्शन कलेक्शन हर एक तहसील में एक कलेक्शन सेंटर होना चाहिए। प्रोड्यूसर भी उतने ही होने चाहिए। डेफिनेटली गाय है तो आपके पास रहेगा ना? नहीं, पेट मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, सुनो, ये अभी इतने सारे प्रोडक्ट बनाएंगे ना तो कलेक्शन वाले क्या करेंगे, जैसे बंगाल वाले स्टील स्टील इंडस्ट्री को बेचते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक को बेचते हैं, वैसे वो करेंगे ना। आज ये पेंट की इंडस्ट्री की डिमांड है कि मुझे नहीं 15 टन माल भेज रहे, तो सब जगह से वो 15 टन माल उधर जाएगा, बाकी का माल दूसरी इंडस्ट्री को निकल जाएगा। सी वी नीड अ सिस्टम टू डेवलप सच काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी। जैसे आज मिल्क कलेक्शन सेंटर है हमारे, माइक्रो लेवल पे भी जा चुके हैं ना, माइक्रो भी नहीं माइक्रो लेवल पे जा चुके हैं दूध कलेक्शन। यानी एक गाँव में, अभी मेरे गांव में 10 मिल्क कलेक्शन सेंटर, जरूरत नहीं है इतनी, एक या दो काफी है, पर माइक्रो लेवल पे जा चुके हैं ना ये। तो डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन आफ्टर सीइंग दिस दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस एंड वी आर फर्म ऑन आवर कैलकुलेशंस। सो हम हमारे कैलकुलेशन आपको प्रूव भी करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। देसी इसमें काउंटर में मतलब फर्नीचर कोई काम है या देसी काउंटर देसी देसी काउंटर and our my aim is to work with desi cow only, that is emotional kind of activities. What is the difference between desi cow done and other नहीं, देसी काउ का अभी कंपोजिशन निकाल दिया मैंने, तो कंपोजिशन वैरीज। ह्यूमिक एसिड कंटेंट इन देसी काउ इज हायर देन एनी अदर काउस। इसलिए ना आप जब भी ना वीडियो देखो कि गोबर जो होता है ना, देसी काउ का गोबर या घी, देसी में अपना खिलाड़ी आता है, घी आता है, बहुत सारे आते हैं देसी में। देसी इज अ वीक टर्म, और देसी मीन्स आवर ओरिजिनल काउ, रादर आई वुड से इंडियन काउ, इंडियन काउ। बट जो बाहर से आए हैं, जो हम लोग मार्केट से आज दूध पीते हैं ना, वो हमारे नहीं है। और एक आज आपको मैं बताना भी भूल गया, जो हमारा जर्सी गाय का दूध है ना, दैट इज दैट कम्स अंडर A1 कैटेगरी, एंड हमारा जो देसी गाय वाला है दैट इज A2 कैटेगरी। सो अमेरिका में मैं रहा हूँ कुछ साल, तो जो कैन मिलता है ना, आई थिंक 2.5 लीटर का कैन होता है, तो 2.5 लीटर का कैन जो दे नॉर्मल गाय का होता है, अपना होलिस्टर गाय का, वो $3.5 को वो टाइम पे मिलता था इन 2014। और A2 मिल्क वाला जो है वो मिलता था $10 फोर टाइम्स। सो बट ये अमेरिका ने भी क्यों किया, क्योंकि अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायबिटिक कंट्री पर कैपिटा। तो अमेरिका ये डायबिटीज होने के लिए A1 मिल्क इज मोर रिस्पॉन्सिबल दैन A2 मिल्क। जितना डायबिटीज डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, वो पूरा का पूरा क्रेडिट गोज टू A1। लेजीनेस ये सब है उसमें, नहीं से नहीं है, बट ये हमारी जो बफेलो होती है उसमें दोनों भी होता है, A1 एंड A2 भी होता है, ठीक है? थैंक यू। कोई क्वेश्चन रहेगा तो बाद में पूछ लो। थैंक यू वेरी मच सर। आज गोबर की महत्ता सबको समझ में आ रही है और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। थैंक्स अलॉट सर। टेक्नोलॉजी के लिए आज सारी यहाँ लोग आए थे कि उन्हें टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी और वो किस तरह से नया उद्योग शुरू कर सकेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे आखिरी और हमारे अपने संजय सिन्हा सर का ये भी बायोपेज पे हमें बताएंगे और बहुत सारे काउडन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताएंगे। संजय सिन्हा सर एक कलाकार, एक आईटी प्रोफेशनल, एक कृषक, एक फार्मर, आप कह सकते हैं कि साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों एक ही व्यक्ति में यदि है तो आप हमारे बीच जो संजय सिन्हा सर है उनमें है। ये
आईटी प्रोफेशनल है, सेंटर मैरामेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर है जो सैंडलवुड पे काम कर रहे हैं, और भारती हर्ब्स में जिसमें ये एरोमेटिक प्लांट्स कल्टीवेशन प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पे काम करते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ इन्होंने काफी वर्ष काम किया है और वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग बनाए हैं। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फिदर कंप्यूटर डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन BCMDWA, और आज हम उनसे काउ बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट जानेंगे। इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सीमैट है, CFTR है, CFRI है, JKNV है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, KNHP है, सबसे जुड़े हुए हैं। तो मैं समय ज्यादा ना लेते हुए संजय सिन्हा सर को आमंत्रित करती हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगी कि संजय सिन्हा का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर और मोमेंटो देकर अरुण सर करें। क्या बात है, थैंक यू सर। सर सर वेलकम संजय सिन्हा सर। एक मेरी रिक्वेस्ट रह गई, पूरे लेक्चर के बाद दो लाइनें गाय पे भी आप सुना दीजिएगा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, सारे डेलीगेट्स का भी स्वागत करता हूँ, मेरे VIE के सारे जो मेंबर्स है उनका स्वागत करता हूँ। मुझे इस सब्जेक्ट में बताने के लिए बहुत खुशी होगी, बहुत साल मैंने प्रैक्टिकल्स किया है इसके ऊपर और मुझे ऐसा लगता है कि शायद गोबर पेंट और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो काफी आगे हम इस काउ नॉमिक्स को ले जा सकते हैं। तो मैं अपनी शुरुआत करता हूँ सबसे पहले गोबर पेंट से या काउ से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए। ये सब हमारे अभी तक जितने भी लोगों ने बोला है उन्होंने इस बारे में ऑलरेडी बताया है कि गो पालन से क्या क्या हो सकता है और इसकी क्या क्या खासियत है, मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अभी हम लोग जो नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हैं लैब लेवल से हटके और प्रैक्टिकली जो कर सकते हैं वो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट्स। नॉर्मली बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के पीछे एक छोटा सा गोबर का चिप लगाते हैं, वो हम अपने घर में भी बना सकते हैं और अगर हम वो यूज करते हैं तो उससे हमारे मोबाइल से जो रेडिएशन मिलता है हमारी बॉडी को वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट है प्राकृतिक पेंट, बिल्कुल इसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट है, इंडियन मार्केट है। दूसरा प्रोडक्ट है प्राकृतिक पेंट, जो गोबर पेंट की बात हो रही है वो भी हम गोबर से बना सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। दिवाली में जो हम दिए बनाते हैं वो भी हम गोबर से बना सकते हैं। हम लोगों ने मॉस्किटो रेपेलेंट बनाया है गोबर और हर्बल प्रोडक्ट को लेके, पॉट्स बनाए हैं प्लांट्स लगाने के लिए जो गोबर से क्रिएट किया है, गोकास्ट बनाया है अंतिम संस्कार के लिए, बहुत जगह पर NMC में भी हम लोगों ने ये कॉन्टेक्ट लिया था और उनको कुछ प्रोडक्ट दिए थे। और इससे रिलेटेड जो इकोनॉमी है वो एरोमेटिक क्रॉप की हो सकती है, क्योंकि अगर हमको मॉस्किटो रेपेलेंट बनाना है तो डेफिनेटली जो हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं जैसे पामारोजा है, लेमन ग्रास है, सिट्रोनिला है, तो ये डिस्टिलेशन यूनिट के बाद बचा हुआ जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे इस प्रोडक्ट के साथ ऐड होके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ कुछ मेडिसिनल क्रॉप्स हैं जो उसमें ऐड हो सकते हैं जैसे नीम है और बहुत सारे हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट, अगरबत्ती और धूप, ये सारी चीजें हम इनसे बना सकते हैं।
तो एनडी रेडिएशन जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके का होगा, कुछ प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है और इसके पीछे मोबाइल के पीछे इस टाइप से लगेगा। इवन आप एक छोटे से रिबन में अगर गोबर का एक छोटा सा टैटू बना के उस पे लगा सकते हैं, तो वो भी एज एंटी रेडिएशन करके ही काम करता है। अभी हमारा मेन जो फोकस है वो गोबर पेंट पे है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये हमारा खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया है, और ये प्रोडक्शन के बाद निकलता हुआ जो गोबर बकेट में आ रहा है, ये उस टाइप का गोबर से बना हुआ, टोटली गोबर से बना हुआ पेंट है। इसको जैसे अभी सर ने बताया कि उनके इंस्टीट्यूट से भी प्रमोट होता है, और ये दूसरा कुमारप्पा एक इंस्टीट्यूट है जो जयपुर में है, वहां से ये प्रमोट होता है। खादी इंडिया का पार्ट है वो, और ये एमएसएमई का एक डिपार्टमेंट है। इसके लिए लाइसेंसिंग की जो जरूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक बहुत छोटा सा अमाउंट लगता है जो कि 30,000 से लेके 50,000 रुपए के बीच में है, और आप वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेके अपनी इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक आपका प्रोडक्शन मार्केटेबल नहीं हो जाता, तब तक आप उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा ट्रेनिंग या फिर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो पार्ट है कि बहुत सारे पैसे लगेंगे, वो एक इंडस्ट्रीज को जाएगा, ये इस पर्टिकुलर एमएसएमई के डिपार्टमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है और इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत मिनिमम अमाउंट में हो जाता है। ये जो गोबर पेंट है, इसे अष्ट लाभ पेंट कहा जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इको फ्रेंडली है, नेचुरल थर्मल इंसुलेशन जो है वो जो सर ने बताया पिछली बार की 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर हमारे बिल्डिंग का कम हो जाता है अगर हम इंटीरियर यूज करते हैं। अगर हम इसको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों भी यूज करते हैं तो वो मोर देन 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। दूसरा, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। 1 लीटर पेंट बनाने के लिए या 100 लीटर पेंट बनाने के लिए हमें 30% या 20% काउडंग लेना पड़ता है। हैवी मेटल्स इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। नॉन टॉक्सिक टॉक्सिस होता है, ऑडरलेस होता है। नॉर्मली अगर आप अपने घर में कोई भी पेंट कराते हैं तो कुछ दिनों तक टॉलरेबल नहीं होता वो पेंट, उसका स्मेल, और कुछ लोगों को अच्छा लगता है बट बहुत सारे लोगों को टॉलरेबल नहीं होता है। सर, गोबर की स्मेल आती है? बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। तो इसमें ना तो कोई स्मेल होती है और ना ही सब लोगों को ये लगता है कि ये गोबर जैसा काला होगा या गोबर जैसा स्मेल करेगा, बट ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली जो पेंट होता है उससे बहुत अच्छा स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। अब ये गोबर का जो मेन पार्ट है इसमें वो होता है सीएमसी, जो पेंट में जो यूज होने वाला प्रोडक्ट है नॉर्मली या तो केमिकल सीएमसी यूज होगा या तो फिर हम गोबर से बना के सीएमसी यूज कर सकते हैं। तो ये बनाने की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले हम बिल्डिंग के बाहर में जो फैक्ट्री बनेगी उसके बाहर हम एक यूनिट बनाएंगे जो बिल्कुल टॉप पे लेफ्ट में है। उसके बाद दूसरा जो यूनिट है वो गोबर को मिक्सिंग करने का यूनिट है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कलेक्टेड डेटा नहीं है, ये हम लोग इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तीसरा है बॉयलर। नॉर्मली जब गोबर को पानी के साथ 50% पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसके बाद बॉयलर से उसे हीट दिया जाता है, डायरेक्ट हीट नहीं देते उसको, बॉयलर के थ्रू जो स्टीम होता है उससे हीट देते हैं। और उसके बाद एक ये जो मशीन होती है लेफ्ट हैंड पर जो टॉप पे एक मशीन है वो इस मिक्सर को बिल्कुल बारीक पिसाई करने का काम करता है, इसको टीडीआर बोलते हैं। और उसके बाद ये टीडीआर से गोबर को बहुत बारीक करके एक मशीन में लाया जाता है। नॉर्मली उसके बाद इसको ब्लीचिंग टैंक में ट्रांसफर करते हैं जहां पे गोबर का कलर नॉर्मल जो कलर था उससे हटा दिया जाता है और थोड़ा सा वो गोबर जो है अपने नॉर्मल कलर से अलग हो जाता है। ये देखिए ब्लीच की चीजें यूज करनी पड़ती है। हाँ, ये तो डिफरेंट करनी पड़ती है। ये मिक्सिंग जो ब्लीचिंग टैंक में जो मिक्सिंग हो रहा है वो एक प्रोसेस है, रिफाइन करने के बाद उसको ब्लीच किया जाता है।
और कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें नॉलेज नहीं है तो ये जो आपको दूसरी साइड जो दिख रहा है बहुत सारा स्पिल हुआ हुआ, ये ओवरहीट और इसकी वजह से होता है। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके इस टाइप से करना पड़ता है। ये जस्ट मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि कई लोग उसमें ओवरलोड कर देते हैं। 500 लीटर का अगर टैंक है तो उसमें हमें 300 या 200 लीटर ही लेके करना पड़ता है। उसके बाद ये सीएमसी कलेक्शन है, मतलब जो प्रोडक्शन हमने गोबर का जो पार्ट है वो यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं और उसको छान के जो ऊपर का पार्ट है उससे हम लोग वॉल केयर पुट्टी बनाते हैं और जो पतला पार्ट है उसको पेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको गोबर से, उतने ही गोबर से दो चीजें बन रही है, एक तो वॉल केयर पुट्टी बन रही है और दूसरा गोबर पेंट बन रहा है। हमारे टीम में बहुत सारी महिलाएं, जहां जहां भी हम लोगों ने 4-5 सेटअप लगाया हुआ है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सामने, और वहां पे सारी महिलाओं को ये काम दिया हुआ है, तो सारी महिलाएं बहुत आसानी से ये काम कर लेती हैं। और ये उसका एक जस्ट एग्जाम्पल है, ये मिक्सिंग कर रही है उसमें। तो ब्लीचिंग के बाद कुछ नहीं करना पड़ता? ब्लीचिंग के बाद उसको एक जगह कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज होती है, ये ये उससे आगे की प्रोसेस है। वॉल केयर पुट्टी होती है, ड्राई फॉर्म होती है, पेस्ट पेस्ट में पेस्ट में होती है, पेस्ट में होती तो उसका मॉइस्चर वो मेंटेन रहता है हाँ पैक रहता है करने के बाद। बिल्कुल। तो वो जब लिक्विड कलेक्ट हो गया उसके बाद हम उसको इस टैंक में लाते हैं जहां पर मिक्स किया जाता है। और ये भी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई भी आराम से कर सकता है। तो मोस्टली हमारी टीम में सारी महिलाएं हैं और ये सारा काम वो लोग खुद कर लेती हैं, उनको ट्रेन किया गया है। उसके बाद ये मिक्सिंग का प्रोसेस, ये लास्ट प्रोसेस हो गया पेंट निकलने का, बट उसके पहले इस टाइप से मिक्सिंग होती है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें इसके बीच में होती है। मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट में बताया, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो इसमें हम आगे बात कर सकते हैं। इसमें क्या मिक्स करते हैं सर? क्या मतलब? जो निकलती है गोबर से जी, उसके बाद में उसमें कुछ मिक्स कर रहे, हाँ वो क्या उसमें चीज़ है? उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं, जैसे TiO2 रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं। उसकी एक पूरी लिस्ट है, 7-8 चीजों को मिक्स करना पड़ता है। अगर इमल्शन बना रहे हैं तो रेजिन मिक्स करना पड़ता है, डिस्टेंपर बना रहे हैं तो बिना रेजिन के भी हो जाता है। फिर उसको फंगस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ चीजें यूज करनी पड़ती है। अच्छा, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? ड्यूरेबिलिटी उतनी ही है जितना आपका नॉर्मल पेंट होता है। ये प्रोडक्ट BIS स्टैंडर्ड से बनता है, उस स्टैंडर्ड से बनता है जिस स्टैंडर्ड से ऑलरेडी पेंट बनता है। तो ये इंटरनेशनली और नेशनली इसके ऊपर ऑलरेडी पेटेंट लिया हुआ है और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट वैसा बनेगा नहीं, तो फिर वो पेंट और पेंट में डिफरेंस हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट पेंट आप ले रहे हैं तो वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, दोनों का BIS स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है उसी स्टैंडर्ड से बनाया जाता है। स्मॉल कलर इंडस्ट्री के वगैरह, लिए कितना टोटल कॉस्ट कलर, उसके बाद जैसे पिगमेंट की बात हुई तो ये देखिए हम लोगों ने कुछ पिगमेंट लगा के इसमें ट्रायल किया है, ये भी महिलाएं कर रही है। तो पिगमेंट सब आपको जो भी कलर चाहिए वो पिगमेंट यूज करके उसको बढ़ा सकते हैं। कलर तो ये व्हाइट ही बनता है। सर, इसका स्मॉल इंडस्ट्री डालना है तो कितना कॉस्ट आता है? आप बहुत छोटी सी इंडस्ट्री डालना है, 100-150 लीटर, ये तो करीब करीब 3-4 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आपको 500 लीटर का डालना है तो ये 22 लाख रुपए का प्रोडक्ट होता है। लेकिन इन बिटवीन आप प्रैक्टिकल करके छोटी छोटी चीजों से भी इसको बनाया जा सकता है। नॉट नेसेसरी कि आपको 25 लाख रुपए लगाना पड़े, 22 लाख रुपए आप छोटे पैमाने पे भी कर सकते हैं। सारी मशीनों का इक्वलेंट है, जैसे अगर आपको स्टीम देना है अच्छा, तो आप एक बड़ा कुकर यूज कर सकते हैं। तो आप पहले ट्रायल अपने अपने खुद के एंड पे कर सकते हैं और आपको जब भी लगेगा। ये सारी मशीनों के बारे में हम लोगों ने छोटा छोटा लैब बेस पे भी बनाया है, ट्रायल पायलट भी बनाया है और बड़ी मशीनें भी लगा रही हुई। तो ये तीनों मामले में हम लोग हम आपको हेल्प कर सकते हैं। डिटेल मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ब्रेक इवन कितना लीटर आएगा? देखिए इसका जो कॉस्टिंग आता है, डिस्टेंपर बनाते हैं तो 50 से 60 रुपए के अंदर बैठता है, और अगर इमल्शन बनाते हैं जो रॉयल के इक्विवेलेंट आता है वो 180 से 200 रुपए के करीब बैठता है। लीटर प्रोडक्शन 500 लीटर प्रोडक्शन आप बना सकते हैं जो एक पूरी मशीन लगाएंगे तो, 500 से 1000 लीटर एक दिन में बना सकते हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर चेक कर रहे हैं हम लोग, सिंपल पेंट एंड दिस पेंट, तो क्या जो क्या बी रहे मैंने आपको बताया ना, BIS स्टैंडर्ड है, BIS ये एक स्टैंडर्ड होता है हर प्रोडक्ट का। नहीं, उसमें क्या होता है, आपको इक्वेलेंट होते हैं, एक हेडिंग पावर बोलते हैं ठीक या कवरेज कैपेसिटी बोलते हैं, वो कवरेज कैपेसिटी मेजर चेक करना पड़ता है।
यानी एक स्क्वायर मीटर एरिया में या स्क्वायर फीट एरिया में कितना पेंट लगता है, नॉर्मल पेंट कितना लगता है, ए पेंट कितना लगता है, बाद में इसमें होता है कि इलांगेशन कितना है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म, यानी पेंट यानी फिल्म ही होती है, तो वो फिल्म में स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये पूरा करना पड़ता है। तो इन सबका एक स्टैंडर्ड सेट होता है और वो स्टैंडर्ड वही है जो बीआर स्टैंडर्ड में आता है। अगर आप उस स्टैंडर्ड को टच नहीं कर पा रहे तो वो पेंट इंडस्ट्रीज में नहीं बैठेगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है तो प्लांट? बहुत सारा एक्चुअल में छत्तीसगढ़ ने एक जीआर निकाला था कि गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग है उसको गोबर से बने हुए पेंट से ही खुदाई की जाएगी उसकी, तो इस वजह से वो इंडस्ट्रीज वहां बहुत ज्यादा फेमस है। हालांकि ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारे गडकरी जी उस समय एमएससीबी में थे और उन्होंने ये उनके मॉडल है वो, तो उन्होंने किया था, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वहां हुआ है और अभी शायद अगर यहाँ हो जाता है तो डेफिनेटली ये हर जगह ये इंडस्ट्री चल सकती है। ये हमारी टीम के लोग हैं, उन लोगों ने 4-5 जगह पर वहां पे ये किया है जहाँ पे सारी महिलाएं हैं, पहले प्रैक्टिकल होता है, फिर उनको पहले नॉर्मली थ्योरी होती है और बाद में फिर प्रैक्टिकल उसके हिसाब से करा के उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये एक छोटा सा मैं आपको वहां पे वेलकम करने का एक तरीका है, सिंपल जस्ट छोटा सा दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग गांव है जहाँ पर वहां पर एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो वहां पे सारी महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में और बहुत अच्छे से वो लोग काम कर रहे हैं। फिर दूसरा प्रोडक्ट है गोकास्ट, ये भी आपने सुना होगा कि लकड़ी की जगह पे हम गोबर से गोकास्ट बना सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारा 14 मील पर ऑलरेडी चल रहा है और इसमें हम लोग पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ में एनएमसी के साथ में टाइप किया था कि हम जो अंतिम संस्कार के लिए जो लगती है लकड़ियां उसकी जगह पर हम ये देंगे, कुछ दिनों तक वो चला और फिर ये भी हम ये कर सकते हैं, इसकी भी काफी अच्छी डिमांड है। इसकी जो मशीन आती है वो 30,000 से लेके 40-45-50,000 रुपए के बीच में आती है और इससे बड़े आसानी से ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। इसकी वो देता हूँ लकड़ी से ज्यादा होती है, मुझे मैंने प्रैक्टिकल बेस पे काम किया, थ्योरी तो आपको सर समझा देंगे। उसके अलावा हम लोग दिवाली के जो हाँ कर सकता है, उसके अलावा हम दिवाली के ऐसे छोटे छोटे दिया बना सकते हैं, ये भी एक रूरल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, तो ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया वहां पे। इस टाइप के उसके पॉट्स बनते हैं, ये भी हमने बनाए हुए हैं। और बनते हैं कैसे बनते हैं? मशीन है आपके पास? हाँ मशीन है, मैनुअल है या मैनुअल मशीन है, मतलब सेमी मैनुअल मशीन है। उसके अलावा फिर या उसमें फिर उसको और मजबूत करने के लिए कुछ मिक्सिंग भी कर सकते हैं या फिर ग्लास जैसा भी क्रिएशन कर सकते हो या मिट्टी के साथ भी वो आराम से बन जाएगा, मिट्टी और गोबर मिक्स करो और अच्छा, और इसका नाम बताइए क्योंकि हमने बनाए थे, मतलब मैंने ट्राई की थी तो डायरेक्टली आप गोबर से की थी, मैं बच्चे को पूरा फ्रेंड नहीं नहीं उसके उसको आपने बेक नहीं किया होगा, बेकिंग करना पड़ेगा, बेकिंग करना पड़ेगा, मिट्टी के साथ आप मिक्स करो उसको अच्छी तरह से और उसको बेक करो, वो सस्टेनेबल बन जाएगा। ठीक है, हमने धूप बनाया था गोबर के इससे और उसका जो बेस था वो भी गोबर से बनाया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर दी तो वो चेंज हो गया, वो जलता नहीं है अभी, जो धूप है वो जलेगा लेकिन उसका बेस जो गोबर से बना वो नहीं जलेगा, तो वो थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा इसका। वर्मी कम्पोस्ट का सबको मालूम है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, धूप और ये भी हो सकता है सर। नॉर्मली हम लोग एक जो बाकी तो सब कुछ मालूम है, लेकिन धूप का उपयोग करने से क्या क्या लाभ होता है? धूप शरीर मन आत्मा को शांति या लाभ प्रदान करती है, एकाग्रता बढ़ती है इससे और जो पढ़ाई करने में हमें मदद मिलती है, ये सारी चीजें हैं इस गोबर से जो धूप बनती है उससे। ये मेरे ख्याल से वो विज्ञान वालों ने इसके ऊपर काफी कुछ किया हुआ है और हम लोग उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो जितना हम हवन करने में जो हमें लाभ मिलता है, धूप से भी हम उसका कुछ परसेंट लाभ ले सकते हैं
तो ये इस तरीके से हम गोबर से धूप बनाएंगे, उसके बहुत सारे लाभ है और हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। हम लोगों ने इस टाइप के कुछ 6-7 प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं किया है। एक मॉस्किटो रेपेलेंट बनाया है जो जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट यूज किए हैं। बुद्धिवर्धक है जिसमें डेफिनेटली ये भी एक हर्बल प्रोडक्ट से बना हुआ है। चंदन और जटामांसी की खुशबू बहुत प्यारी आती है, ये भी एक प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने गोबर और हर्बल को मिला के बनाया हुआ है। फ्लावर के जो पाउडर होते हैं जो मंदिरों में निकलते हैं उससे भी हम लोगों ने गोबर के साथ मिक्स करके ये बनाया हुआ है फूल पाउडर धूप। और हवन का जो इफेक्ट चाहिए तो हवन में जो लगने वाली चीजें हैं सामग्री है उससे मिलाकर हम लोगों ने हवन धूप बनाया है। तो इस बारे में भी अगर अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है आगे तो फिर आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी पूरा कैसे बनेगा वो सारी चीजें हम आपको बता सकते हैं। अब ये जैसे हम लोगों ने सोंडी विलेज करके वर्धा में वहां पर हम लोगों ने हैंडमेड बनाने का ये चालू किया है वहां की महिलाओं के साथ में, तो वहां पर गोबर से इस तरीके से बना रहे हैं। और उनको पहले हम ट्रेनिंग देते हैं, छोटे छोटे सांचे दिए गए हैं, बहुत लो कॉस्ट प्रोडक्ट है लेकिन ये कम से कम एक बॉक्स इसका 60 से 70 रुपए में बिकता है। तो अगर छोटा सा भी प्रोडक्ट है लेकिन वैल्यू वाइज ये बहुत जब क्वांटिटी में होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ी वैल्यू देगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक मशीन बनाई है जो जैसे जो धूप बनाना है उसको बनाने के लिए, अभी तो एक हैंडमेड था और ये दूसरी एक हाइड्रोलिक मशीन है, सेमी हाइड्रोलिक मशीन है, इससे भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा वीडियो में आपको दिखेगा। ये भी गांव की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ मिलकर प्रोडक्ट किया प्रोजेक्ट किया हुआ है। एक बार उसको घुमा लीजिए अंदर में हाथ। में कुछ केमिकल डालना पड़ता है क्या? नहीं, इसमें कोई केमिकल नहीं, सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं। खरीद गोबर की वजह से उसका नहीं, जो बाइंडिंग एजेंट है उसमें गौर गम यूज करते हैं। बाइंडिंग एजेंट एक लगता है उसको गौर गम यूज करके कर सकते हैं। गौर गम इज अ नेचुरल ये देखिए इस तरीके से उसको हाइड्रोलिक के प्रेशर जनरेट होगा और फिर ये सिंपल सा एक जो अपना हाइड्रोलिक कार को उठाने का चक्का उठाने का मशीन है उस टाइप का लगाया हुआ नीचे और उससे फिर वो धूप बन जाएगा। ये भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, मशीन भी ऐसी बनती है हमारे पास। आप इसमें पाउडर डायरेक्टली यूज करते हैं? जी डायरेक्टली पाउडर। और जो मतलब आप इसमें जो काउडंग की कोटिंग है उसका कितना परसेंट आप कोटिंग यूज करते हैं? 100% काउडंग रहता है, जैसे 1 किलो में फिर जो भी हमको फ्लेवर डालना है वो 1:5 का रेशियो लेते हैं, 5 किलो काउडंग और 1 किलो इस तरीके से लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले उसको क्लीन करेंगे फिर ये बुलेट्स के जैसे धूप जो होता है वो उसमें निकलेगा। ये मशीन भी हमारी है और ये इसका जो फॉर्मूला है ये भी हम लोगों ने वहां पे किया हुआ है। बहुत छोटी छोटी मशीनें हैं जिससे रूरल एरिया में इसको यूज किया जा सकता है और यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, बहुत इजी टू यूज मशीन है। तो इसका प्रीमिक्स आप क्या कर मिलेगा? हाँ, प्रीमिक्स कैसे बनेगा वो भी हम आपको बता सकते हैं और नहीं तो प्रीमिक्स मिल जाएगा। 1:5 का जो रेशियो है उसमें 1 आपको जो मिलाना है, जैसे आपको बुद्धिवर्धक बनाना है तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे ब्रह्मी है तो इस टाइप के प्रोडक्ट भी उसमें ऐड होते हैं, तो वो तो हर्बल शॉप में मिल जाएगा। नीचे बैठे हमारे कार्ड साहब उनके पास ये प्रोडक्ट मिलता है। सर सर काउडन को परफ्यूम के साथ यूज किया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा? काउडन परफ्यूम कौन सा यूज करेंगे आप? कोई भी, जैसे अगर मोगरा का ही प्रोडक्ट बनाना हो? हाँ नहीं नहीं कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके से धूप बन रहा है, ये सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। ये एक हम लोगों ने वहां के लिए एक प्रोडक्ट बनाया था उसकी
लेमन ग्रास और ये इसके हाँ सेपरेनेला तो इस विषय में अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो क्वेश्चन है सर मेरा इस पर ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा और ग्रुप को अगर तो हम गाइड करना है क्या हाँ हम लोग करके देंगे बीआई के थ्रू आप आइए हम करके देंगे सर बिल्कुल बिल्कुल सर जी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते नॉर्मल क्वेश्चन अगला सेशन सभी के क्वेश्चन जो है आप हर एक डिग्री से पूछ सकते हैं और जितने भी आपकी क्वेरीज है 10-15 मिनट में आप आराम से सबसे पूछ एक और एक वो करूँ या कर लीजिए आप कनेक्शन अभी जो बाबूजी ने इतना बढ़िया आपको ये दिया तो इसमें हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है इस टाइप का बायो फर्टिलाइजर एंड बायो गैस का एक यूनिट है। ये नॉर्मली एक ट्यूब में बना हुआ प्रोडक्ट है और इससे जो आपका जितना भी मतलब जो गोबर है उसको ये पीछे दिखने वाले जो ड्रम है उसमें हम उसमें ऐड करते हैं उसमें कुछ मीन्स कुछ पत्तियों के पाउडर बना के पत्तियों का पेस्ट बना के ऐड करते हैं और फिर वो बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट होता है। उसके साथ साथ हमको गैस फ्री में मिलती है तो ये बहुत बड़ा ये है तो मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। मतलब अभी तक आपने जो सुना कि गोमूत्र और गोबर के जो फायदे हैं उसको हम एक यूनिट में डाल के कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो ये छोटा सा यूनिट है। और इसमें जो गैस निकलता है उसकी ये फ्लेम है ये 20,000 लीटर वाला जो यूनिट है उसका उसमें से जो निकलने वाली गैस है ये हमारे खुद के फार्म का है बोलो जहाँ पे लगाया हुआ वहां का है। ये पाइपलाइंस के थ्रू उस यूनिट से वहां तक गैस पहुंचाएगी और ये यूनिट लगा हुआ है ये माइल पर है। ये भी यूनिट काम कर रहा है। इसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 100% लिक्विड फॉर्मेट में मिलेगा और उसको आप ड्रिप के थ्रू सारे खेत में स्प्रेड कर सकते हैं जो भी प्लांट्स है उसको यूज कर सकते हैं। इसमें अपने गोबर गोमूत्र दोनों का यूज ऐसा होगा ड्रिप में तो छम सी जाता है नहीं ये बिल्कुल लिक्विड रहता है ये ऐसा नहीं गोमूत्र जैसा गोमूत्र जैसा लिक्विड हो जाता है पानी। इसमें कुछ प्रोडक्ट मिलाया जाता है वो मात्र ये देखिए स्लरी नहीं आता सर इसमें स्लरी नहीं तो आता चौक हो जाएगा सर टोटल लिक्विड रहता है पानी के जैसा। और अरे ये प्रेपरेशन यूनिट अलग से लगेगा आपको नहीं 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 लगेगा जो आपका फिल्टर है ना वही उतना काम कर लेगा। आपके ड्रिप ड्रिप में एक फिल्टर लगता है तो जो फिल्टर है उतने में ही काम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो एक आपने जो गो पाउडर से जो बताया ना पिछले जी साल हम लोगों ने गणपति की मूर्तियां बनाई है जी और अभी तो कुछ कम बनी है पर आगे में अगर लोग अगर जुड़ना है तो जी मोल्ड हम दे देंगे कैसे बनाना है पेंटिंग करना है वो सब भी कर सकते हैं। गणपति की मूर्ति लेके फिर घर में उसको विसर्जन कर देंगे तो अपने हाँ जो प्लांट रहते हैं उसमें वो खाद के हिसाब मैं से वहां आ यूज कर जाता सकते हूँ फिर बात कर लेते हैं। नहीं गोल्ड वाले ने मुझे आप एड्रेस दे सकते हो मैं आता हूँ भैया मैं साथ को थोड़ा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 200 एनिमल का ग्रेट मध्यम फार्म प्रोजेक्ट है ये से बात कर रहे हैं।
उसमें प्रोजेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं अभी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो स्टेट फंड्स दिए हुए हैं उसमें, स्टेट पे पीपीएफ सब्सिडी है, गवर्नमेंट का सब्सिडी स्कीम है वो सर, प्लीज मल्टीपिंग फॉर प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो चीज अपडेट है गवर्नमेंट में आ रही है फार्म प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट सर, यहां पे कौन से एनिमल का प्रोजेक्ट है तो नहीं यू सर, गेट लाइव सर आप अपना सर स्टेट पे सवाल आता संदेह होता है सर, ये 15 लाख सब्सिडी है तो व्यवसाय की विदर्भ का पूरी पूरी पड़ा है, सब तो बना के आता है हैदराबाद के लोग इसके साइज का पाते हैं दे रहा है ताकि क्योंकि मेरे बेटे को जाने से वॉलेट कर दिया माता मी तुम्हारा कांटेक्ट नंबर दे दूं, बेस्ट प्रोजेक्ट है तो तुम्हारा भाई पांच एकर जगह पे चल बच्ची वाला हम लोग ये पांच एकर जगह पे नहीं है बस प्रोजेक्ट है चार कोटी का प्रोजेक्ट है, दोनशे ऐंशी का प्रोजेक्ट है, त्याच्यावर 15% स्टेट पे सबसिडी आहे सगळ्यात पाच एकर जागा पाहिजे विदर्भातून नाही आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्र जवळपास 10 प्रोजेक्ट मंजूर झालेले काही नाही, माझा नंबर घ्या, माझं नाव धोन सिगिरीवार, मी डेअरी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट लावतो मोहन श्रीगिरीवार माझं नाव आहे, 9371 511 699 आता मध्यंतरी गर्दी साहेबांनी विदर्भ ऍडमिट घेतला होता बघा, त्याच्यात कन्व्हेअरवरून काम केलं होतं, कन्व्हेअरवरून काम करतोय ब्रीड मटेरियल फार्म प्रोजेक्ट गोकुळ मिशन, गोकुळ मिशन आहे तो राष्ट्रीय गोकुळ मिशन फार प्रोजेक्ट चांगला आहे तो, पण त्यांनी अगोदर 40 लाख तुमच्याकडे आहे का नाही सांगतो, त्याचे बोलले त्याचे चांगला प्रोजेक्ट आहे, तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करावं लागणार आहे 10% तरी, चार कोटी पुन्हा तुम्हाला देणार खिशात असेल तर करू शकू ना, पश्चिम महाराष्ट्रात 10 प्रोजेक्ट मंजूर झाले, विदर्भात एकही झाले नाही आहे, मी आता 100 लोकांची मला ऑल इंडियातून फोन आलेले आहेत, मोहन श्रीगिरीवार मी माझा कार्ड देईल तुम्हाला, फार चांगली पक्ष तुम्ही दिली, मी तुमची चर्चा करते कुठ बघा, फार चांगला प्रोजेक्ट आपण सक्सेस करू दाखवा या ठिकाणी विदर्भावर, सणांनी फार चांगलं सांगितलं, कुठं आपलं गाव तिथलं सातारा, सातारा सातारामध्ये पाण्याची सोयरी आपण दूध उत्पादन त्या ठिकाणी सगळ्यात जास्त आहे, सर्वात जास्त आहे, पाण्याचे टँकर जातात, दुधाचे टँकर परत येतात, विदर्भात का होत नाही, खरं आहे खरं, बारामतीला मी गेलो होतो तिथे ऑडिट साठी, 2 लाख लिटर दूध आहे मॅडम तिथे, डायनॅमिक डेअरी म्हणून आहे ना सर, तालुका प्लेस आहे बारामती संघ, 2 लाख लिटर दूध आहे, विदर्भात 11 तालुके आहे, 1 लाख लिटर दूध नाही आहे, ऊन आपल्या ऊन आहे ते तिकडे सांगलीला तू ऊन भरपूर असेल त्या ठिकाणी आहे ना, मग म्हटलं शासनाच्या भरपूर योजना, फक्त कर्जाची इच्छा शक्य पाहिजे, बरोबर बरोबर की नाही, बरोबर शेड काढण्याची तयारी पाहिजे, तो नेट लागतो ना आपल्याला, थँक्यू सर, ओके थँक्यू सर, ऍक्च्युली आय वॉज स्टँडिंग हिअर फॉर अनाउन्समेंट ऑफ द फॉर्मल क्वेश्चन आन्सर सेशन, क्वेश्चन आंसर इतना जो अपना माइंड बॉगलिंग बिल्कुल सेशन हुआ है, आई एम सो प्राउड, सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन, दैट आई वांट टू ब्रिंग टू द जस्ट नोटिस ऑफ आवर गेस्ट एंड एज वेल एज द पार्टिसिपेंट्स, दैट सर वी आर वेरी प्राउड टूडे दैट आज नेशनल लेवल के सबसे इम्पोर्टेंट सर ने जो अपने इंस्टीट्यूट का इम्पोर्टेंस बताया, तो उस इंस्टीट्यूट से सर आए हुए हैं, और हमारे ग्राउंड लेवल बिल्कुल ग्राउंड लेवल वर्क करने से लेकर के हमारे बाबूजी से लेकर के एकदम एक स्टूडेंट से भी ऐसे है गेस्ट स्पीकर, और पार्टिसिपेंट्स भी मैं देख रही हूँ कि इंडस्ट्री से लेकर के जो और डेवलपर हमारे जैसे जो नागपुर में जो सबसे टॉप गौशाला से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के
we are having a student also, internship students also. So we are really today a very successful program. I think that is the cross section of the variety you can see of the speakers as well as the participants. So yahan mere dimag mein jo prashn aa rahe the baithe baithe ki sir ye dekhi ki jo sir ne products bataye cowdung leather, biodiesel, cellulose membrane, bio paint, pigment, biosanitary pads, activated carbon, और सर ने भी और बहुत सारे सीना सर ने प्रोडक्ट्स बताए. तो इस पर से मेरे मन में यह आ रहा था कि अभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो इंडस्ट्री से लेके तो हमारे बिल्कुल बेसिक एंड आई एम रियली वेरी प्राउड टू अनाउंस हियर एक्चुअली कि हमारे दानापुर प्रोड्यूसिंग कंपनी के हमारे लेडीज बिल्कुल यानी इंटीरियर से आए हुए हैं सर. तो फ्रॉम द इंटीरियर विलेजेस टू द टॉप मोस्ट गौशाला वी आर हैविंग द पार्टिसिपेंट्स हियर एंड वन क्लैप आई वांट फॉर माय दिस प्रोड्यूसर कंपनी. हमने सोचते थे कि एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ. प्रोड्यूसर आप लोग के मन में यही होगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स कोई बेसिक प्रोड्यूसर कंपनी कुछ बनाए उसमें से. तो हमारे पास है आज ये रिप्रेजेंटेटिव है प्रोड्यूसर कंपनी के भी हैं गौशाला के भी हैं. तो क्या हम आगे ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि इनमें से जो जैसे लिग्निन मेरे ध्यान में आया तो ऐसी कोई चीजें जो ये प्रोडक्ट्स के लिए जो लगती होंगी ऐसे कुछ हिडन चीजें होंगी सर जो ये आपके प्रोडक्ट बड़े बड़े हैं शायद हम ना कर पाए छोटे लेवल पे लेकिन इनको ऐड करने के लिए हम बिल्कुल छोटा छोटा. तो ऐसे भी पॉइंट्स अगर अगले बार आप लोग बता पाए है ना कि हाँ कि मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के लिए क्या ये पेंट है तो पेंट के लिए लिग्निन इसके लिए है क्या. तो हम अपने छोटे छोटे लेवल पर ऐसे कुछ कर पाए है ना सर. थैंक यू सर. द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. ये पूछना था आपने गोमूत्र और पानी का जो भोजन बताए थे स्प्रे करने के लिए स्प्रे करने उसको स्प्रे करना पड़ता है या मतलब गुड में ऐसे में भी डाल सकते हैं मक्का बरसाती स्प्रे करने में ज्यादा फायदा है. बाकी यदि जमीन पे भी आप रूट स्प्रे करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो सर भी यदि आप गोमूत्र स्प्रे करते हैं तो सॉइल वो जितने भी सॉफ्ट वर्डेड इंसेक्ट है जिसको इल्ली बोलते हैं या लट बोलते हैं जो भी कैटरपिलर ये इसको इसकी सुगंध से गोमूत्र की सुगंध से चींटियां आती है मकोड़े आते हैं मकोड़े समझ गया और वो ये सबको खा पी के चले जाते बचा हुआ साथ में ले जाते हैं. इतना बढ़िया पेस्ट करके वो आपके सॉइल में गए. आप सॉइल पे भी स्प्रे कर सकते हैं और प्लांट पे भी स्प्रे कर सकते हैं. प्लांट पे स्प्रे करते हैं डबल फायदा ऐसा है कुछ हिस्सा तो जमीन पे गिरता ही है अगर बारिश आ गई तो वो नीचे चला जाता है. आप दोनों कर सकते हैं. तो जमीन में दे रहे हैं जमीन में दे रहे मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं पर गोंदिया की एक संस्था है बहेकर जी की उन्होंने मुझे कहा कि भास्कर जी आपको इस कार्यक्रम में जाना चाहिए. उसका कारण ये था कि प्रेरणा केंद्र नवाचार गोष्ठी कक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक जिला आदिपुर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि नवाचारी बच्चों के लिए नवाचार की दिशा में आप लोग के पास कुछ सजेशंस है क्या. जो बच्चे हमेशा प्रश्न करते हैं कि तुमको अपने भविष्य के लिए अगर गाय के साथ जुड़ना है तो नवाचार किस ओर है. ये सब आपने जो कहा है ये जो आपने सब कहा है ये टुकड़े टुकड़े में बहुत सारी लोग जानते हैं पर उसका सीधा फायदा होते हुए नहीं देख पा रहे क्योंकि अभी अन्यथा नहीं लेंगे तो मैं एक बात कहूँ. कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ अनुसंधान सब जुड़ा हुआ है. जितने भी हॉस्पिटल है सब कैंसर और अनुसंधान की बात करते हैं पंचगवी की बात करते हैं पर हमारे ही बहुत बड़े शीर्षस्थ वैद्य है वो कहते हैं 20 मिनट पुराना 20 मिनट से अधिक का पंचगवी अगर कैंसर के पेशेंट को देंगे तो उसके लिए जहर है. हम कैसे इसको ये करेंगे. ये जो हमारे लोग कह रहे हैं इसको हम माने या वो जो लगातार कोशिश कर रहे हैं
उनकी बात को माने, मेरा एक अनुरोध है अन्यथा ना लेंगे, सिर्फ नवाचार के लिए बच्चों को किस तरीके से प्रेरित करें कि वो इसमें जाए कि इनोवेशन भी कोई एक ये है, क्योंकि इनोवेशन में हम शायद बहुत पीछे हैं। इसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, बच्चों को रिसर्च करने के लिए बोलिए कि पढ़ाई करें ऑथेंटिसिटी लाए। मेरा यही तो आपसे निवेदन है कि इस विषय में आप हम लोग को क्या मदद करेंगे। मैं तो विश्वविद्यालय के बच्चों की ओर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, या आपकी संस्था इसमें हम लोग को सहयोग करेगी, बस इतना सा कुछ करेगी। सहयोग सहयोग बिल्कुल करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को अगर आप कुछ हाथ में दे देंगे कि ये तुम करो, उसके पहले उसको खुद को ढूंढना पड़ेगा। मोटिवेशन उसको कैसे मिलेगा कि अगर ये चीजें मैंने ढूंढ के नहीं लाई तब तक मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर हमने उनको बोला गोमूत्र से आप ये बनाओ तो वो चीज उनको रास नहीं आएगी, उनको खुद को इन्वेंट करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। हमारे पास जैसे अभी सर ने बताया इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आप कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार के मंच पे लगातार डिस्कस करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं आदिवासी क्षेत्र की जो गाय है जो 50 ml से ज्यादा तो गोमूत्र देती नहीं, उसका अपना एक वैल्यू है, फिर वो एक अलग दिशा में बात चली जाएगी। मेरा सिर्फ एक अनुरोध था, इतनी दूर से आया था कि आप लोगों से कभी अगर हम वहां से पत्र लिखे आपको, खासकर बॉम्बे से जो हमारे वैज्ञानिक महोदय है, मुझे उनकी ज्यादा मदद की जरूरत है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में हम लोग को भी बताने वाला नहीं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग आदिवासी क्षेत्र में रहते हुए तरसते हैं। नागपुर जब तक हमारी राजधानी थी तब तक अलग बात थी। सर सर मैं आपकी विनती का मान करता हूँ, आप कभी भी पत्र लिखो उसका उत्तर मिल जाएगा, पत्र की भी जरूरत नहीं, आप ईमेल भेज दो, ईमेल पे आपको आंसर मिल जाएगा। मंच पे बच्चों को ठीक है, नहीं तो दूसरा क्या कर सकते हैं, अभी रियायत उधर एक चाहिए तो एक आप लेक्चर सीरीज रखो, अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे, बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगा, ध्येय उनका फिक्स हो जाएगा कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता हो जाएगा। और मैं आया और मैं क्योंकि उनके साथ संपर्क में हूँ, गौशाला में हम लोग मदद भी कर रहे हैं, और इस प्रकार के आप लोग जुड़े रहिए, जो भी आपका होगा जहाँ जिस जगह पहुँचाने होंगे आपकी बात हम पहुँचा देंगे और आपको कनेक्ट कर। देखो आज VIA ने ये प्रोग्राम कर दिया है, बट मैं इंडिया का हूँ तो इसलिए मुझे किधर भी जाने के लिए ना कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं। आप इंडिया के हैं, मैं आगरा का होते हुए मैं भी इंडिया का हूँ। मैं इंडिया का हूँ, इवन आई बोर्न एंड, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आई बोर्न एंड रेज इन सतारा, बट मैं ये नहीं बोला कि आई एम फ्रॉम सतारा, मैं कभी नहीं बोलता। मैं पैदा हुआ आंध्र के माँ बाप की संतान हूँ, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र बनने के पहले मैं कर्नाटक का हूँ, इसलिए आई एम फ्रॉम, मैं इंडिया का हूँ। एक मिनट, सब लोग आगे चलेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हम सब इंडियन है, सर भारतीय इंडियन बोलना पड़ता है, हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे, दो तो भारतीय भी है। मैं किरण गोखले सर से बोल रहा हूँ, और सभी लोग हाइटी लेके जाएंगे, सबकी हाइटी की व्यवस्था है बाहर। एक क्वेश्चन कर लीजिए, और सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा इकोनॉमिक्स 3 में, और उसपे आप अपने क्वेश्चन आंसर डाल सकेंगे। जो भी आगे जहाँ से कनेक्शन होगा हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और स्पेशली आई वर्क ऑन काउ डंग ब्रिक्स। ओके, मैंने नियर अबाउट 13 टाइप्स के अलग अलग काउ डंग ब्रिक्स बनाए हैं, और उसका जो जो स्ट्रेंथ होती है कॉम्प्रेशन से ये थोड़ा सा कम है, जो क्ले ब्रिक्स है उससे थोड़ा सा कम है, बट वी कैन यूज, हम लोग ये ब्रिक्स हम लोग इंटीरियर पार्टीशन के लिए यूज कर सकते हैं। और बाकी आपने जो प्रॉफिट आपने इसका गोडन ब्रिक्स के बारे में या गोडन के बारे में जो भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा, यानी आपका सुकून का नींद आएगा, रेडिएशन आपका बेडरूम में आपने पार्टीशन बनाया है
या फिर आपने वो ब्रिक्स पार्टीशन पार्टिकल वॉल बनाया, तो बहुत सारा वो उसी को आप लोग जैसे पेंट बताया आपने सर ने, वो पेंट उसको भी कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा आपका गोशाला का जो रूप होता है, जो बेनिफिट मिलता है, वो आपके बेडरूम में मिल सकता है। तो यही मेरा एक एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट। और साथ साथ में दरेश सर ने हमारे इसमें विजिट भी किया था। वी हैव दी हमारे पास में जो भी आपने बायोगैस देखा है, बहुत सारे लोगों के इश्यूज है कि बायोगैस बहुत सारे फिजिबल नहीं है, लेकिन हमने बलून टाइप का बायोगैस हमने सॉल्व किया है और उसका प्रोडक्ट, उसका बायोगैस हम लोग यूज करते हैं। हमारे गौशाला भी है वहाँ पे, वो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन उसको जो भी प्रोसेस के लिए वो यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी कोई तो भी आगे है कि काउ डंग ब्रिक्स भी बनती है, ठीक है। सो आई ऑन द बिहाफ ऑफ माय स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जीएस रायसन यूनिवर्सिटी साइकेड़ा, आई इनवाइट द डिग्निटरीज टू विजिट अवर कैंपस एंड सजेस्ट एंड गिव सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू अवर स्टूडेंट। थैंक यू। थैंक यू। मुझे इसके बारे में बोलना है, जो आपने ब्रिक्स के बारे में बोला ना, ये ब्रिक्स ऐसे होनी चाहिए कि उसको प्लास्टर नहीं करने की जरूरत है। Yes. नहीं तो पूरा उसका जो वैल्यू एडिशन है पूरा फेल हो जाएगा, पूरा फेल हो जाएगा। और ये स्पेशली जो घर अफोर्डेबल विलेजेस जो अफोर्डेबल हाउस होता है ना, वो कॉन्सेप्ट में आता है। और दूसरा ये जो इनका क्वेश्चन है कि बायोगैस, बायोगैस के बारे में थोड़ा क्वेश्चन मुझे पहले से रात को मैंने इनसे शेयर भी किया। जो बायोगैस बनाते हैं ना हम लोग, यहाँ बनता है ना, उसमें करीबन 50-60% बायोमीथेन होता है और 20% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आज हम जलाते हैं, आज सब कुछ अच्छा है, बट दिस 20% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये आगे जाके क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम करने वाला है। तो इसीलिए कि बायोगैस टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ काउ डंग, इन माई ओपिनियन, इंडिविजुअल ओपिनियन नॉट इंस्टीट्यूट ओपिनियन, कि थोड़ा क्वेश्चन में रहेगा। सर मेरा एक थोड़ा सा इमोशनल प्रैक्टिकल साइड है। एज ए किसान, गोबर से सिर्फ धरती मां का किसान का अधिकार है, ब्रिज बनाने के लिए गोबर नहीं बनाता, गोकाष्ठ के लिए गोबर बनाता, ये क्रिमिनल वेस्ट है, ये इंसानियत के खिलाफ गुनाह है। तो आप इसकी ब्रिज बनाने के, गोबर को जलाने की प्लानिंग छोड़ दीजिए। आप यूनिवर्सिटी में ये विषय रखिए, मेरी इस बात में आपके साथ हूँ। आईआईटी के डायरेक्टर, दिल्ली के डायरेक्टर, उन्होंने भी गोकाष्ठ बनाने साथ, दिस इज अ क्रिमिनल वेस्ट एंड ए बैड ऑफ योर कैंडिडेट, वन शुड नॉट रिकमेंड दिस थिंग। हां, ओके, थैंक यू। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9967 9967 71 9967 71 9496 9 9 6 7 7 1 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6 9 4 9 6
7:30 या 8 बजे के पहले किसी को फोन करना है तो डेफिनेटली करो, नहीं तो रात को 8 बजे के बाद 8 से 9 बजे के दरमियान फोन करो। ट्राई टू कोशिश ये करो कि बीच में फोन करो मत करो, ये अर्जेंसी रहेगी ना किसी को भी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर नो डाउट, पर अर्जेंसी भी वो लेवल की रहेगी। ये मैं थैंक यू एवरीबॉडी। बिफोर आई से वोट ऑफ थैंक्स, एवरीबॉडी हैज रिक्वेस्ट कि हम एक इकोनॉमिक्स का एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ का पूरा मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डालिए, अभी यदि किसी ने नहीं डाला है तो अभी डाल लीजिए, सो दैट वी कैन कनेक्ट विद यू एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। वी विल हैव अ नेक्स्ट प्रोग्राम व्हेनेवर वी हैव इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर गिविंग एंड टेकिंग प्रोग्राम। थैंक यू। थोड़े थके हुए नजर आ रहे आप, इसके बाद आईटी का प्रोग्राम है, हर एक ने उसका फायदा लेना है, इंक्लूडिंग गेस्ट एंड डेलीगेट्स। तो डॉक्टर पिंजारी सर,
आपका बायोडाटा पढ़ने का मौका मुझे मिला था। ऐसे मत बोलो कि बायोडाटा पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा बड़े साइंटिस्ट का मैं परिचय देने वाला हूँ, शायद मैं हड़बड़ा जाऊंगा। और ये जो साइंटिस्ट डिलीवरी करने वाले हैं वो शायद अपने सर के ऊपर से चले जाएगा। बहुत टेक्निकल वर्ड्स, बहुत पॉलीकार्बोनेटेड और मीथेन धमका ऐसा लगा मुझे, लेकिन वो मेरा वहम था। आप गांव से आने वाले सातारा जिले के, मेरा ससुर सातार में रहता है। इससे मैं ज्यादा जुड़ गया हूँ आपसे। एक छोटे से गांव से आए हुए और यहाँ तक साइंटिस्ट करके पहुंचने के बाद भी आप अपने रूट्स अभी भी विलेज में है, और आपने ये जो विषय पे इतना समर्थ इतना लंबा भाषण दिया, शायद हम आपको कम लगा, फिर से हम आपको आमंत्रित करेंगे। थैंक यू। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं अमेरिका में बहुत सेटल था, आई वॉज हैविंग आउटस्टैंडिंग वीजा इनवाइटेड ग्रीन कार्ड, वो छोड़ के आया था। उसका एक ही रीजन था, जब भी मैं उधर काम करता था ना, माझ्या गावातल्या ओढ्यातल्या ज्या कर्जाची झाड शेत एवढं हेच मला आठवायचं, आणि असं वाटायला लागलं की अरे आपण करतोय काय ना, की आपण जन्म कशासाठी घेतलाय। आयुष्यभर जिल्हा परिषद शाळा, माध्यमिक शाळा, हायस्कूल, आयसीटी मुंबई, अख्खं गव्हर्नमेंट सेटअप मध्ये आपलं शिक्षण पूर्ण झालं, आणि आपण करतोय काय हे। कारण मला जे अमेरिकेत मिळाली होती फुलब्राईट फेलोशिप मिळाली होती, तो खूप एक रेअर ऑनर असतो। म्हणजे ब्रिटनचे जे पंतप्रधान आहेत ऋषी सुनक, ते फुलब्राईट स्कॉलर आहेत, आणि फुलब्राईट स्कॉलर होते म्हणून ते अमेरिकेत गेले आणि तिथं मूर्तीची मुलगी भेटली त्यांना, आणि रेस्ट इज स्टोरी। मी अरेंज मॅरेजेस केलं माझ्या गावात आणि त्या गोष्टीचा मला फार आनंद आहे। कारण कुठे आज मी नागपूरमध्ये आज ती साताऱ्यात चॅरिटेबल हॉस्पिटल चालवते मुंबई सोडून तिनं पण, पण आम्ही दोघेही आनंदात आहोत। थँक्यू सर, पुढच्या वेळेस आपण परत या अशी अपेक्षा करतो। डॉक्टर संजय सिन्हा सर, इनके बारे में क्या बोलू, मेरी तमन्ना थी कि इनका बायोडाटा मैं खुद पढ़ू, लेकिन शायद मुझे मौका नहीं दिया गया। हर हुनरी आदमी बोलते हैं जिसको ना, गाना अच्छा बोलता है, डांस अच्छा करता है, इंडस्ट्री के बारे में तो आपने देखा ही क्या क्या उनका श्रीमंती है। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी ये बहुत हसमुख और अच्छे इंसान है, हमारे को जुड़ने में उनका सहयोग होता है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। भले वो हमारे फैमिली के मेंबर है, लेकिन शुक्रगुजार तो करना ही पड़ेगा मुझे। श्री जोजोदिया सर, कहते हैं कि गो माता में 36 कोटि देवता होते हैं, सही है? Yes. आपने पूरा दर्शन करवाया। बस इतना ही बोल सकता हूँ धन्यवाद उसके लिए। काले सर जाइए बस। अरे फोटो है, फोटो सेशन एंड खाइटी कार्यक्रम है इसके बाद में। मेरा बोरिंग लेक्चर सुनने के थोड़ा सा प्लीज। Vivek sir, IT professional, I am very proud that you are a VNIT scholar. गाय के प्रॉब्लम को आपने टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, ये बहुत कम लोग करते हैं, शायद मेरे इसमें नहीं है ट्रेनिंग में। तो हाँ जी, चलो थैंक यू आपका, और जितने भी मेंबर्स यहाँ मौजूद है जो आए जुड़े उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको होली मुबारकबाद बोल देता हूँ, होली अच्छे से मनाइए, रंग जुड़ाइए और मुझे बुलाइए। ये किरण बोल रहा आता है, एक फोटो लेना है प्लीज, प्लीज फोटो। अच्छा वोटर थैंक्स जो